वर वरक उम्मीद है आप सब लोग इनशाला खैर ऑफियत से होंगे वेलकम बैक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम टू द लाइफ सेशन में तैमार अहमद इनशा आज हम लोग दोबारा एक नए टॉपिक के साथ हाज़र हुए हैं और इनशा उसके बारे में बात करेंगे बिफोर वी मूव ऑन टू दैट टॉपिक एज यूजल आप प्लीज़ मैंशन कर दीजिए कि आप कहाँ से ज्वाइन इन कर रहे हैं फिर शॉर्टली इनशाला हम लोग स्टार्ट करते हैं अच्छा जी मोहम्मद सलम वालेकलम ब्रदर ओके okay, जी ब्रदर शबीर फ्रॉम आई ओके वालेकल वरम जी अजीम खान वालेकुम असलम मियाँ रशीद जवानी फ्राम सऊदी अरबिया वाले वरहल ब्रदर अच्छा आज का टॉपिक भी आप मेंशन कर देगा आज का टॉपिक हम जिस बारे में बात करेंगे वो भी आप मेंशन कर दें इसमें इंग्लिश उर्दू तो नहीं है एक ही टॉपिक है उर्दू में आप मेंशन कर दीजिए कि आज किस बारे में हम बात करेंगे वालेकुम ब्रदर मोहसिन वाले अच्छा जी आज का जो टॉपिक है हाँ आर यू डूंग जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ अलहमद आप कैसे हैं खैरियत हैं जी आज का टॉपिक है मैंशन किया इस्लामिक इंस्परेशनल रिमाइंडर गाफिल ज़िंदगी जी बिल्कुल आज का टॉपिक गाफिल ज़िंदगी हम इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे और टॉपिक आई थिंक सेल्फ एक्सप्ल्ट्री भी है एक सेंस में कि इंसान की जो ज़िंदगी है वो गफलत वाली ज़िंदगी कैसी होती है लेकिन ये वो टॉपिक है जिसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट एंगल से और बहुत सारे डिफरेंट चीज़ों को कवर किया जा सकता है लेकिन ऑब्वियसली हमारे पास चूँकि टाइम बहुत ज़्यादा नहीं होता तो उस टाइम को सामने रखते हुए इस टॉपिक से रिलेटेड एक बेसिक सा आप यूँ कह लेक्चर होगा जिसमें कुछ चीज़ों के बारे में हम एज़ रिमाइंडर बात करेंगे कि एक इंसान होने के नाते से और बिलखसूस एक मुसलमान होने की हैसियत से हम जब अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं और उस ज़िंदगी के अंदर हमें किन चीज़ों के बारे में जो है वो ख़्याल रखना चाहिए कि हम उन चीज़ों से मुतल गफलत में ना पड़ जाएँ क्योंकि गफलत एक ऐसी चीज़ है कि आ, जब इंसान ऐसी ज़िंदगी गुजारता है तो उसका नुकसान उसे दुनिया में भी होता है और आख़रत में भी होता है और ऑबियसली ये टॉपिक इस वजह से भी मैंने किया कि कि हम सब को टाइम टू टाइम रिमाइंडर की ज़रूरत होती है और बिलखसूस मेरे अपने लिए एक बहुत बड़ा रिमाइंडर है जो भी हम बात करेंगे सबसे पहले मुझे जा अपनी ज़ात के लिए उसके ऊपर फोकस करना अपने आप को रिमाइंड कराना उन सब चीज़ों के बारे में और अजस्ट थाट ऑफ के बाकी सब के साथ भी वो शेयर कर लिया जाए ताकि हम लोग जो भी ज़िंदगी गुजार रहे हैं उसमें हम लोग एक इस चीज़ को जहन में रखते हुए और दोबारा से उसको रिफ़्रेश कर लें और इसमें बहुत सी ऐसी बातें होंगी जो सुनने के बाद आपको शायद महसूस होगा कि ये तो पहले भी सुनी हुई हैं और जितने भी लेक्चर्स आज तक किए उनमें समहाओ कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई बात किसी ना किसी तरीके से पहले भी हमने की हुई है लेकिन मकसद ये नहीं होता कि बात पहले क्या की है लेकिन मकसद ये होता है कि बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जब हम सुनते हैं पढ़ते हैं फिर हम भूल जाते हैं और दोबारा करने का मकसद ये होता है कि जब हम दोबारा उस चीज़ को सुनेंगे पढ़ेंगे डिस्कस करेंगे तो उससे हमारा ईमान भी ताज़ा होता है हमें एक यादहानी होती है और अल्लाह ताला ने भी कुरान में फ़रमाया वज़क़िरफ़ाइन नज़िक रतन फ़ाइल ममिन कि आप इनसे से तस्करा करते रहें इनको रिमाइंड कराते रहें क्योंकि रिमाइंड कराना ईमान वालों को फ़ायदा पहुंचाता है तो मकसद ये होता है कि जो रिमाइंडर्स होते हैं बार बार एक चीज़ को डिस्कस करना होता है उसका मकसद ये होता है कि हम उस चीज़ के बारे में अगर भूल चुके हैं तो हम दोबारा से उस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में रिफ्रेश कर लें ताकि हम उस असल मकसद से गाफिल ना होने पाए जिस काम के लिए अल्लाह सुबह में इस दुनिया में भेजा था अच्छा जी आई थिंक काफ़ी लोगों ने जॉइन इन कर लिया है तो आई थिंक स्टार्ट करते हैं ओके जी। इन शह वसलात रबीआलमिन अला रसूल करीम वल वब अजमाबाद रवज बिन्तवान बसमीम रबी शरा सदर वसरि अमर वाहमसानी अफकाउली अल्लाह तुरन में फ़रमाया एक तरब से हिसाब फ़ीलत लोगों के हिसाब का वक्त करीब आ पहुँचा है और ये है कि अभी भी गफलत में मुँह मोड़े हुए हैं और एक और जगह अल्लाह सल ने, ने कुरान में फ़रमाया वाला तकु मिनल फिलीन कि आप ऐसे लोगों में शामिल मत हो जाइएगा कि जो गफलत में पड़े हुए हैं अल्लाह सुबहान तैाली ने गफलत का तस्करा कुरान में बहुत सारी जगहों पे किया है और गफलत का तस्करा जो जब कुरान में आया तो मेजॉरिटी जगह पे उसको एक नापसंदीदा अमल के तौर के ऊपर अल्लाह सुबहान तै ने उसको बयान किया गफलत कोई ऐसी चीज़ नहीं कि जो किसी मुसलमान की ज़िंदगी में उसको अप्रिशिएट किया जाए और उस चीज़ को पसंद किया जाए कि एक मुसलमान हो के वो एक गफलत वाली ज़िंदगी गुजार रहा हो और उसको ये पता नहीं हो कि वो दुनिया में आया किस लिए है आने का मकसद क्या है उसको भेजा किसने है कितना अरसा यहाँ पे रहेगा मौत एक दिन आएगी उसके बाद जाने का वक्त आ जाएगा तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि एक मुसलमान अपनी ज़िंदगी में जिनको जानता है और जानते हुए उसको अपनी ज़िंदगी में उनको फॉलो करना होता है बहसीयत मुसलमान लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग गफलत में पड़ जाते हैं तो अल्लाह सुमान तैयार ने उस चीज़ का तस्करा बहुत जगह पर किया और इस, इस पॉइंट ऑफ व्यू से किया ताकि एक मुसलमानों ने कियाफ़िल ज़िंदगी ना गुजारें गफलत का माना क्या है उसकी डेफिनेशन क्या है एहिल ने इसको मुख्तलिफ इसकी डेफिनेशन दी हैं लेकिन एक सिंपलेस्ट जो तो डेफिनेशन है वो क्या है कि गफलत का मतलब ये बयान फरमाया कि गफलत इंसानी फ़िक्र से किसी चीज़ के गायब हो जाने और उसके याद ना आने का नाम है यानी इंसान जब अपनी ज़िंदगी गुजार रहा होता है तो उसकी ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो उसके जहन में होती हैं और उनकी उसको फिक्र होती है और वो जिस चीज़ की इंसान को फिक्र होती है इंसान उस चीज़ को अहमियत भी ज़्यादा देता है और उस चीज़ की प्रायोरिटी भी लाइफ के अंदर ज़्यादा होती है हमें माल कमाने की फ़िक्र होती है तो माल से मुतालिक जितनी भी चीज़ें होती हैं उनकी प्रायोरिटी हमारी लाइफ में ज़्यादा होती है पेरेंट्स के लिए औलाद की मोहब्बत होती है तो फिर औलाद से मुतालिक जितनी चीज़ें ज़्यादा होती हैं वो उनकी प्रायोरिटी भी हाई होती है तो जिस चीज़ से इंसान की मोहब्बत ज़्यादा होती है और जो चीज़ इंसान की ज़िंदगी में ज़्यादा अहमियत रखती है तो वो चीज़ इंसान के लिए उसकी जो फ़िक्रें होती हैं उनका एक बहुत बड़ा हिस्सा भी बन बन जाती है और उसकी प्रायोरिटी भी हाई होती है लेकिन अगर वही इंसान उस अहम तरीन चीज़ या अपनी अहम चीज़ों में से किसी एक अहम चीज़ को भूल जाए और उसके बारे में भूल जाए कि मेरी ज़िंदगी में ये भी एक कोई अहम चीज़ थी तो क्या कहा जाएगा कि भाई ये इंसान उस अहम चीज़ से गाफिल हो गया तो गफलत इस चीज़ को कहते हैं अब गफलत से मुतालिक अगर देखा जाए तो इसको यूँ भी समझा जा सकता है कि जब इंसान मिसाल के तौर पर किसी एक इंपॉर्टेंट काम के लिए निकला लेकिन जब वो उस काम के लिए निकल रहा था तो उस वक्त उसको याद था मसलन कोई शख्स जो है वो अपने किसी बहुत इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए बैंक गया कि मैंने आज बैंक में जाके ये चेक डिपॉजिट कराना है क्योंकि आज इसकी लास्ट डेट है आज अगर ये पैसे मेरे अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हुए तो फिर क्या होगा कि मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा अब वो शख्स घर से निकला चेक लेके बैंक की तरफ जा रहा था रास्ते में क्या हुआ कि उसको उसका कोई पुराना दोस्त नजर आ गया उसने गाड़ी रोकी और अपने दोस्त से मिलने के लिए खड़ा हो गया और बहुत अरसे के बाद उस दोस्त से चूंकि मुलाकात हो रही थी तो उस उस उन जज्बात में और उस मोहब्बत में गप्पे मारना शुरू की और उसके बाद उसको कहा कि यार चलो फारे हो तो चलो चलते हैं कहीं पे जाके खाना खाते हैं उसको लेके चला गया बैठ के कहीं पे लंच करने लग गए करते करते कई घंटे गुजर गए उस गपशप में खाने पीने में और उसको याद भी नहीं रहा कि मैं एक इस काम के लिए निकला था और अचानक कुछ घंटे गुजरने के बाद जब उसको ख्याल आया कि मैंने बैंक में आज जाके एक चेक जमा कराना था लेकिन जब उसको ख्याल आया तो उसका को टाइम गुजर चुका था तो उस दिन वो चेक अब डिपॉजिट नहीं हो सकता तो क्या हुआ कि इंसान एक बहुत अहम काम से निकला था लेकिन रास्ते में किसी काम की वजह से वो डिस्ट्रैक्ट हो गया और वो अपने असल और इंपॉर्टेंट काम को भूल गया जिसकी वजह से उसका नुकसान हो गया तो गफलत का इस एबार से क्या है कि ये चीज़ जो है जो इसको हम कहेंगे कि, कि इंसान अपने उस असल चीज से गाफिल हो गया गफलत को अगर देखा जाए तो इसकी डिफरेंट जो वो है वो टाइप्स हैं एक शाम हैं कुछ एल ने उसके तीन एक शाम लिखी लेकिन समझाने के लिए इसको आप यूं कर लीजिए कि आप दो कैटेगरीज में इसको डिफाइन कर लें पहली किस्म गफलत की क्या है जो कि हमेशा की गफलत है कोई इंसान ऐसे जिंदगी गुजारे कि जब से वो ज़िंदगी में आया जिस दुनिया में आया और इस दुनिया में आने के बाद जब से उसने होश संभाला उस वक्त से ले के जब उसका इस दुनिया से जाने का वक्त आया वो सारी ज़िंदगी चाहे वो चालीस साल की थी या साठ साल की थी या सत्तर साल की थी उसने वो सारी ज़िंदगी गफलत में गुजार दी और उसे अपनी ज़िंदगी के कुछ अहम सवालों का जवाब हासिल करना चाहिए था उसे अपने मकसद ज़िंदगी के बारे में मालूम करना चाहिए था उससे आने वाली ज़िंदगी जो मौत के बाद एक ज़िंदगी आनी है उसके लिए तैयारी करनी चाहिए थी बहुत सारे ऐसे सवाल थे ज़िंदगी के जिनके बारे में उसको समझना था जिनके बारे में उसको मालूम करना था जिनको सामने रख के उसने ज़िंदगी गुजारनी थी लेकिन वो दुनिया की रंगो रौनक में दुनिया के माल में दुनिया के ही जो ख्वाहिशात हैं उनके पीछे अपनी ज़िंदगी गुजार के इस दुनिया से चला गया और क्या हुआ कि वो बिल आखिर आख़रत में नुक़सान उठाने वालों में हो गया तो एक तो वो गफलत है जो कि हमेशगी की गफलत है और इसमें प्राइमरली वो लोग हैं जो कि कुफार हैं जो अल्लाह को मानते नहीं जो अल्लाह पे ईमान नहीं रखते जो आखरत पे ईमान नहीं रखते इसी हाल में ज़िंदगी गुजारी इसी हाल में दुनिया से चले गए तो ऐसे लोग क्या हैं कि उनका आखरत में बहुत बड़ा नुकसान है तो एक वो लोग हैं जो कि हमेश हमेशा वाली गफलत में रहते हैं एक कैटेगरी वो है मुसलमानों में भी कुछ लोग इस कैटेगरी में आते हैं लेकिन बहुत कम लोग होंगे जो कि हमेशा ही गफलत में रहते हैं क्योंकि मुसलमानों में अक्सर क्या होता है कि चाहे इंसान जितना मर्जी गुनागार हो चाहे इंसान जितना मर्ज़ी लिबरल हो चाहे इंसान जितना मर्जी दीन से दूर हो लेकिन किसी ना किसी दर्जे में एक मुसलमान की ज़िंदगी में थोड़ा बहुत कोई ना कोई वक्त आता है कि उसको रियलाइजेशन होती है आ, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनकी जवानी सारी गफलत में गुजर जाती है लेकिन बुढ़ापे में आके उन्हें एहसास हो जाता है तो चंद साल इस दुनिया में इससे जाने से पहले जो है वो कोशिश करते हैं कि वो अल्लाह को राज़ी कर लें कोशिश करते हैं कि जो वक्त उन्होंने ज़ाया किया उसको कंपनसेट कर लें ऑल दो के वो वक्त जो जिंदगी का सबसे प्राइम वक्त था जो जिंदगी का सबसे आइडियल वक्त था जिसमें इबादात भी अच्छे तरीके से की जा सकती थी अल्लाह को राजी करने के लिए बहुत सारी मेहनत भी की जा सकती थी वो वक्त तो आज से चला गया वो वक्त तो आप कभी भी वापस नहीं आ सकता लेकिन बहरहाल जिस टाइम टाइम के ऊपर भी ये एहसास पैदा हो जाए और वो अपनी ज़िंदगी में अल्लाह को राज़ी करने वाले काम करना शुरू कर दे और अपनी आखरत की तैयारी कर ले तो तब क्या होगा कि कम अज़ कम उसने अपनी ज़िंदगी के आखिरी हिस्से में अपने आप को उस गफलत से निकाल दें तो मुसलमानों की बहुत कम कैटेगरी ऐसी होती है बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो कि इस कैटेगरी में फॉल करते हैं जो हमेशा की गफलत में रहें दूसरी जो किस्म है गफलत की वो उसे आप कह लेंगे कि टेम्प्ररी तौर पर गफलत में आ आर्जी गफलत यानी एक इंसान उसको पता था कि मैं इस दुनिया में क्यों आया उसको मकसद ज़िंदगी पता था और वो उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था लेकिन अचानक उसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हुआ कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई कोई ऐसे हालात आ गए कुछ ऐसे सरकमस्टांस आ गए कि वो वक्ती तौर के ऊपर क्या हुआ कि वो गफलत वाली ज़िंदगी में चला गया और ऐसे बहुत सारे केसेस हमारी लाइफ में होते हैं और बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं और मुझे बहुत सारे ऐसे मैसेज भी आते हैं जिसमें आ, आ, ऐसे लोग होते हैं कहते हैं हम अच्छी खासी एक इस्लामिक लाइफ गुजार रहे थे लेकिन अचानक क्या हुआ कि हम इस कंट्री को छोड़ किसी दूसरे कंट्री में चले गए इस जॉब को छोड़ के किसी और जॉब में चले गए जॉब छोड़ के बिज़नेस स्टार्ट कर दिया कोई भी लाइफ में चेंज आई और उस चेंज के आने की वजह से क्या होता है कि उनकी ज़िंदगी जो अल्लाह की अतात वाली चल रही होती है और जो ऐसी ज़िंदगी जल रही होती है कि जो अपने आखरत को सामने रख के वो ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं वो सारे का सारा फोकस जो है वो शिफ्ट हो जाता है और नमाजें पढ़ते थे नमाजें छूटना शुरू हो जाती हैं कुरान पढ़ते थे कुरान की तलावत छूट जाती है सद का करते थे उसमें कमी आना शुरू हो जाती है ईमान अच्छा होता था ईमान कमज़ोर होना शुरू हो जाता है तो क्या है कि एक अच्छी खासीतात वाली ज़िंदगी अल्लाह की अतात वाली ज़िंदगी गुजारते गुजारते इंसान अल्लाह की नाफरमानी वाली ज़िंदगी की तरफ आ जाता है तो वो वो तौर के ऊपर यह गफलता है लेकिन अचानक फिर क्या होता है कि जब ये रियलाइज़ेशन आ जाए दोबारा से एहसास हो जाए कि नहीं मैं क्या कर रहा हूँ मैं तो गलत डायरेक्शन में चला गया ये तो मेरी जिंदगी का मकसद नहीं है लेकिन ये सब चीज़ें हैं जो कि मुझे अल्लाह से काफिल कर रहे हैं और अचानक इस चीज़ का ख्याल आ जाए और इंसान दोबारा अपनी जिंदगी की तरफ वापस आ जाए जो अल्लाह के अतात वाली जिंदगी है तो क्या होगा कि वह उस गफलत से बाहर आ जाता है तो एक आर्जी या टेम्प्रेरी फेज़ आता है लाइफ में तो उसके बाद क्या होता है कि इंसान अपने आप को पुल आउट करके किसी तरीके से वापस अपनी उसी जिंदगी में आता है जो कि अल्लाह के अताात वाली जिंदगी है और ये वो फेज होता है कि जो अक्सर हमें अपनी लाइफ में आ, आ, ऐसे एक्सपीरियंसिस भी होते हैं और मैं जब ये सोच रहा था इसके बारे में मुझे कोई एग्जांपल तो मुझे अपना बचपन की एक ऐसी सिचुएशन याद आ गई जो कि मुझे रियलाइज होता था मैंने मैं कि उसको एज एन एग्जाम्पल शेयर कर लेता हूँ मैं जब छोटा होता था तो मुझे वीडियो गेम खेलने का बड़ा शौक था अब आज तो खैर वीडियो गेम्स का जो एक लेवल है वो बिल्कुल डिफरेंट है कंप्यूटर गेम्स आ गई हैं आपके पास स्मार्टफोन के ऊपर गेम्स हैं इसी के तरीके से एक्सबॉक्स हो गया पी एस फोर हो गया और बहुत सारे और ऐसे गेमिंग टूल्स हैं जो कि इस वक्त एक बिल्कुल डिफरेंट लेवल के ऊपर जा चुकी है हमारे वक्त में जब हम लोग छोटे होते थे, थे उस वक्त बिल्कुल सिंपल होता था घरों के हर घर के अंदर भी गेम खेलने के कोई ऑप्शंस अवेलेबल नहीं होते थे तो मार्केट के अंदर वीडियो गेम्स की शॉप्स होती थी जो लोग मेरी एज ग्रुप के हैं यू नो समे अराउंड सिक्सटीन सेवनटीन ईयर्स तो जो जवान है अभी भी उनको अंदाज़ा होगा कि वो शॉप्स जो होती थी वो किस तरह की होती थी तो गेम खेलना अगर वीडियो गेम खेलनी है तो उसका एक ही ऑप्शन होता था वो हमने जाके उस शॉप में पैसे पे करने होते थे और उसको हम वहां पे जाके खेला करते थे अक्सर मेरी वालदा मुझे भेजा करती थी कि बेटा जाके मार्केट से रोटी ले आओ नान ले आओ अब नान वाले की जो शॉप होती थी उसके साथ ही वीडियो गेम वाले की शॉप होती थी तो तैमूर साहब का जो टाइमिंग होती थी वो एक बहुत आइडियल अपॉरचुनिटी होती थी वीडियो गेम खेलने की क्योंकि घर से निकले थे नान लेने के लिए तो जब घर से निकलता था तो दौड़ता हुआ जाता था क्योंकि घर से लेके मार्केट तक अगर मैं पैदल जाऊंगा तो शायद मुझे सात मिनट लगेंगे और मैं दौड़ के जाता था तो दो मिनट में पहुंच जाता था तो पाँच मिनट वहां पे सेव हो गए और वापसी में भी दौड़ता हुआ आता था, था चार पाँच मिनट वहां पे सेव हो गए तो ये इतना टाइम सेव करता था और इसलिए करता था कि ये जो एक्स्ट्रा टाइम बचेगा ये जाके मैंने वीडियो गेम खेलनी है और कई दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं गया जाके नान वाले को कहा जी इतने नान दे दें अब वो नान लगाने में टाइम लगता था उसको अब जितनी देर में उसने नान लगाने हैं क्योंकि क्यों भी होती थी कई दफ़ा आप जब जाते हैं नान लेने के लिए तो चार पांच लोग पहले ही आपसे पहले खड़े होते हैं तो दुआ भी यही करता था कि अल्लाह कोई दस बारह बंदे पहले खड़े हो ताकि एक लंबा टाइम मिल जाए गेम खेलने के लिए तो बहरहाल वो क्या होता था उसको कि उसको कह के गेम खेलने के लिए मैं शुरू हो जाता और गेम चूंकि मैं बड़ा डाई हार्ड फैन था वीडियो गेम्स का बचपन में और बड़े शौक से खेलता था तो फिर गेम में जब मैं खेलना शुरू करता था फिर मुझे दुनिया में और किसी चीज़ की होश नहीं होती थी कि मुझे क्या क्योंकि मैं गेम में इतना महव होता था कि मुझे ये भी याद नहीं कई दफ़ा रहता था कि मैं आया किस काम के लिए था वो तो फिर कई दफ़ा ऐसा होता था कि जब अचानक गेम खेलते खेलते वालिद साहब की जब आवाज़ कानों से टकराती थी और फिर दिल की कैफियत तब्दील होना शुरू होती थी और यूँ लगता था कि आखिरी दिन आगे बस अपरू कब्ज होने वाली है क्योंकि उस हालत में जब साहब की आवाज़ आती थी तो आप समझ सकते हैं कि वो ऐसी सिचुएशन है कि इंसान अपनी जिंदगी में दुआएं करता है कि अल्लाह ऐसी हालत किसी के ऊपर भी ना आए दुश्मन पर भी ना आए तो बहरहाल वो आवाज़ जो होती थी कई दफ़ा वो रियलाइज कराते थे कि तैमूर साहब आप किसी अहम काम के लिए आए थे और आप किस काम में लगे हुए तो उस दौरान मैं सोच रहा था कि इंसान कभी कभी उस चीज में इतना ज़्यादा गुम हो जाता है कि वो जो असल काम था जो इतना अहम काम था वो इंसान भूल जाता है तो गफलत जो आरजी गफलत होती है फिर क्या होता है वाले साहब की आवाज़ आती थी तो फिर रियलाइज़ होता था कि मैं एक ऐसी गफलत में पड़ा हूं कि मैं एक एक काम किसी और काम के लिए आया था और मैं किस काम में लगा हूं तो ये सेशंस जो होते हैं अल्लाह का दीन हो गया कुरान हो गया इनका मकसद भी यही होता है कि इंसान कभी कभी अपनी लाइफ में इतना गुम हो जाता है कि वो अपने असल मकसद से हट जाता है और जब ये रिमाइंडर्स आते हैं अल्लाह की तरफ से और अल्लाह उमा ने जो मुख्तु तरीके से इस इस चीज़ को हम तक पहुँचाया तो फिर ये रिमाइंडर्स हमें दोबारा से उस चीज़ पर लेके आते हैं कि मैं एक ऐसी ज़िंदगी में चला गया हूँ मैं ऐसी डायरेक्शन में चला गया हूँ जिससे मैं अपने असल मकसद से हट गया और वो रिमाइंडर इंसान को कभी कभी दोबारा क्या करते हैं कि अपने असल मकसद की तरफ लेके आ जाते हैं तो बहरल एज लॉन्ग एज वो आरजी गफलत है आइडियली तो एक मोमिन की जिंदगी में ये पैच आना ही नहीं चाहिए कोई वक्त ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो गफलत वाली जिंदगी गुजारे लेकिन अगर किसी तर तो, किसी वजह से आ भी गया है तो उसमें क्या कोशिश करनी है कि कोशिश करके अपने आप को उससे फ़ौर बाहर निकालना ताकि इंसान वापस अपनी असल जिंदगी तरफ आए जो कि अल्लाह को राजी करने का मकसद है और अल्लाह की अतात वाली जिंदगी है तो ये दो कैटेगरीज नॉर्मली होती हैं लेकिन जो टेम्प्रेरी गफलत है ये अक्सर लोगों की ज़िंदगी में आती है और इसीलिए ये, ये सेशन किया कि इसमें हम लोग उन चीज़ों के बारे में बात कर लें किस तरीके से हम लोग अपनी जिंदगी में जिंदगी में वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम गाफिल हो जाते हैं और उनसे गाफिल होने की वजह से हमारा नुकसान होता है अब गफलत इट् अगर इसका कोई नुकसान नहीं हो तो फिर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता लेकिन जाहिर सी बात है कि गफलत ऐसी चीज है जो कि एक ईमान वाले की जिंदगी में उसको दुनिया में भी उसका नुकसान होता है और उसको आखरत में भी उसका नुकसान होता है अब उस गफलत के दुनिया में क्या नुकसान हैं और आखरत में क्या नुकसान हैं ये तो एक अलग से पूरा एक टॉपिक किया जाता है कि गफलत के क्या क्या नुकसान है तो आज चूंकि वह टॉपिक नहीं है इसके बारे में बात नहीं करेंगे लेकिन एक चीज सिर्फ फोकस करूंगा कि असल नुकसान गफलत का कि जब इंसान एक मुसलमान अपनी जिंदगी में गाफिल हो जाता है अल्लाह से गाफिल हो जाता है आखिरत से गाफिल हो जाता है मकसद ज़िंदगी से गाफिल हो जाता है तो उसका सबसे बड़ा नुकसान क्या है कि वो आखिरत में नुकसान उठाने वालों में से होगा उसकी आखिरत की जिंदगी में उसकी नाकामी हो जाती है और जो इंसान आखिरत में नाकाम हो गया और आखरत की नाकामी क्या है कि जन्नत से महरूमी और जहनों में दाखिला और जो आखरत में नाकाम हो गया तो फिर उसकी नाकामी को तब्दील नहीं किया जा सकता और उस वक्त कोई ऐसी चॉइस नहीं होती कि उस नाकामी को कामयाबी में तब्दील किया जा सके इसलिए दुनिया में हमें हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम ऐसी ज़िंदगी गुजारें ताकि हम आखिरत में उन लोगों में शामिल नहीं हों कि हम नाकाम हो जाए तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान है जिससे बचने के लिए हमने ये फोकस करना है कि हम एक ऐसी लाइफ गुजारें जो कि गफलत से साफ और पाक हों अब क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं कि जिन चीज़ों के बारे में हम लोग बहसियत मुसलमान गाफिल हो जाते हैं अगेन इसके अंदर भी अगर आप शामिल करना शुरू करें तो बहुत सारी बातें की जा सकती हैं उनको एक एक को बात के के बारे में बात किया जा सकता है लेकिन आप मैंने सब चीज़ों को सामने रखते हुए छह चीज़ों को, 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 को जो है वो शॉर्ट लिस्ट किया है आ, और ऑबियसली यू नो इस ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही छः हो सकती हैं अहल ने जब किताबें लिखी और आप मुख्तफ़ल से बात करेंगे तो मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ कैटेगरीज़ या मुख्तलिफ नंबर्स के ऊपर बात कर सकते हैं लेकिन एज एस थाट ऑफ यू नो कि कुछ चीज़ों को सिम्प्लीफाई करने के लिए और आसान अल्फाज में बयान करने के लिए छः कैटेगरीज़ को इन हम फोकस करेंगे जिन चीज़ों के बारे में हमने बात करनी है कि ये वे चीज़ें हैं जिनके बारे में हमने मेक श्योर करना है कि हम इनसेफ़िल नहीं होंगे जब जब इंसान इनसे होता है तो फिर इंसान के लिए अल्लाह के अतात वाली ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो जाता है पहली चीज़ जिससे इंसान और मुसलमान भी जो है वो गाफिल होते हैं वो क्या है मकसद ज़िंदगी से गफलत जिस इंसान को यही नहीं पता कि उसके ज़िंदगी का मकसद क्या है तो वो एक ऐसी ज़िंदगी गुजारता है कि उसकी ज़िंदगी में और एक जानवर की ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं होता क्योंकि जानवर भी एक ऐसी ज़िंदगी गुजार रहा होता है उसकी ज़िंदगी अगर आप पैटर्न देखें तो उसकी जिंदगी का पैटर्न भी बिल्कुल सिंपल सा होता है कोई कॉम्प्लिकेटेड लाइफ नहीं होती जानवर की उसको पता होता है कि मैंने खाना जब भूख लगी मैंने खाना खाना है जब प्यास लगेगी मैंने पानी पीना है जब नींद आएगी मैंने सो जाना है और मैं अपनी ख्वाहिश पूरी करनी है और दैट सेट बस ये दो तीन काम है मेरी ज़िंदगी में उसके अलावा उसको उसकी लाइफ में और कुछ भी नहीं होता तो जब इंसान अपनी ज़िंदगी के मकसद को पहचानता नहीं तो कभी आप रियलाइज करें आप सोचेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि फिर ऐसा इंसान वो भी ऐसी ज़िंदगी गुजार रहा होता है वो भी क्या करता है जब भूख लगती है खाना खाता है प्यास लगती है पानी पीता है जो चीज़ खाने का दिल किया वो खा लिया जो पीने का दिल किया वो पी लिया जब नींद आई सो गया उसके अलावा क्या किया अपनी ख्वाहिश पूरी की और डी और बड़ी अजीब बात है कभी आप लोगों से डिस्कस करें तो आप सब सवाल करें किसी से कि आपका मकसद ज़िंदगी क्या है क्योंकि मैंने खुद कई दफ़ा ऐसा हुआ मैंने मुख्तिक लोगों से जब मेरी डिस्कशन हुई तो मैं जब उस डिस्कशन में बेसिक्स के बारे में बात करता हूँ तो जब मैं सवाल करता हूँ तो बहुत से लोगों को ये नहीं पता होता कि कभी आपने आपसे सवाल किया कि आप इस दुनिया में क्यों आए हैं वॉट इज़ द पर्पज़ ऑफ़ योर लाइफ आप दुनिया में क्यों भेजेंगे आपका मकसद क्या है आपकी एग्जिस्टेंस है इस लाइफ में आप इस ज़मीन के ऊपर ज़िंदगी गुजार रहे हैं आप 24 घंटे का एक सर्कल है उसके अंदर आप घूम रहे हैं आपने कभी सोचा कि आप ये सब जो हो रहा है आपकी लाइफ में और आप इस जमीन के ऊपर मौजूद हैं आप क्यों हैं यहां पे तो अक्सर इंसानों के पास इसका कोई जवाब नहीं होता क्योंकि ये सवाल ऐसा है जिसका जवाब हमें ना साइंस की बुक्स में मिलता है ना मेडिकल की बुक्स में मिलता है ना आई की बुक्स में मिलता है ना फाइनेंस की बुक्स में मिलता है आपको इसका जवाब कहीं भी नहीं मिलेगा इसका जवाब अल्लाह सुफा तला जो हमारा खालिक है उसने हमें दिया अल्ला कुरान में फरमायामा खलन्ना कि मैंने जिनों और इंसानों को सिर्फ और सिर्फ एक मकसद के लिए बनाया है और वो मकसद ये है कि ये मेरी इबादत करें ये मेरी बंदगी करें ये मकसद हमें कुरान से पता लगता है ये मकसद हमें रसोल्लाम ने बताया ये मकसद अल्लाह सुबह ने अंबिया को भेजा दुनिया में कि जाके वो लोगों को बताएं कि उनकी जिंदगी का मकसद क्या है उनका एक रब है उनका एक इलाह है उनका एक खालिक है उनका एक मालिक है जिसने उन्हें ज़मीन पर भेजा है और जमीन पर आने का मकसद यह है कि उस रब को पहचानो उस खालिक को पहचानो उस मालिक को पहचानो और उसकी अतात करो और उसकी बंदगी करो और ना सिर्फ उसकी अतात और बंदगी करो बल्कि सिर्फ और सिर्फ उसी की बंदगी करो उसके अलावा किसी और की इबादत नहीं तो अल्लाह सुफा तला ने यह मकसद वाजे तौर पर कुरान में हमें बता दिया अब जिस शख्स ने कुरान ही नहीं पढ़ा जो कुरान को मानता ही नहीं या पढ़ा भी है तो उसकी समझ ही नहीं है उसे तो उसको कैसे पता लगेगा कि मेरी जिंदगी का मकसद क्या है तो अल्लाह सुन्द ने यह मकसद बयान किया और बड़ी अजीब बात है कि इंसान न बड़ी अजीब चीज़ है मैं कभी कभी सोचता हूं कि हम लोग भैसीियत इंसान अपने आप को तो बड़ा सुपर स्मार्ट समझते हैं कि भाई हमें हर चीज़ का पता है हमारे पास हर चीज़ का जवाब है लॉजिकली प्रूफ करेंगे थ्योरेटिकली प्रूफ करेंगे लेकिन जब फंडामेंटल क्वेश्चंस आते हैं लाइफ के तो बड़ी हैरानगी होती है कि इतना पढ़ा लिखा इंसान उसके पास डिग्रियों के अंबार हैं डबल एम जो है पीएचडी भी किया हुआ होगा एम एस भी किया हुआ होगा लेकिन उससे जाके आप सवाल पूछेंगे बेसिक तो उसके पास जवाब नहीं होगा कि हम इस दुनिया में क्यों आए हैं तुम्हारी जिंदगी का मकसद क्या है और ये ऐसे ही है कि कोई एक शख्स हो उससे आप जाके पूछें कि भाई आप आपका प्रोफेशन क्या है आप क्या करते हैं वो कहेगा जी मैं फ्लांक ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करता हूँ आप रहे हैं ठीक है अच्छा उस ऑर्गेनाइजेशन में आप जॉब करते हैं आप किस डिपार्टमेंट में वो कहेगा जी डिपार्टमेंट मुझे नहीं पता आप कहते हैं अच्छा आपका डेजिग्नेशन क्या है और वो आगे से आपको कहेगा मुझे डेजिग्नेशन भी नहीं पता और फिर आप उससे पूछें कि भाई आप

कि दुनिया में आ तो गए हैं हम अपने आप को इंसान तो कहते हैं लेकिन आप उसे पूछे भाई तुम इंसान हो या जानवर वो कहेगा जी मैं इंसान हूं तो आप उसे पूछे इंसान होने की हैसियत से आपका मकसद क्या है वो आपको जी मैं मकसद नहीं पता तो आप दुनिया में आए क्यों है जी ये भी मुझे नहीं पता आपको भेजा किसने ये भी मुझे नहीं पता मरने के बाद आपने जाना किधर है यह भी मुझे नहीं पता तो अजीब बात नहीं लगती तो दुनिया में अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन के परस्पेक्टिव से हमें इस किस्म के जवाब दे तो हम उसको कहते हैं बड़ा पागल बेवकूफ इंसान है लेकिन जब अल्लाह सुफान तला ने हमें भेजा और दुनिया में हम एक चाहल की तरह की जिंदगी गुजार रहे होते हैं और इतने बेसिक क्वेश्चन को समझे बगैर उसको जाने बगैर जिंदगी गुजार रहे हो तो क्या हम उसी तरीके के इंसान नहीं लगेंगे हम अपने आप को पागलों में शुमार नहीं करेंगे क्या तो मकसद बताने का क्या है कि हमें अपने मकसद जिंदगी के बारे में पहले तो इल होना चाहिए और फिर कई दफा ऐसा होता है कि कुछ लोगों को इल्म तो होता है लेकिन इल्म होने के बावजूद वो उस मकसद को फोकस करके जिंदगी नहीं गुजार रहे होते तो ये भी गफलत वाली जिंदगी है अपने मकसद को ना जानना अपने मकसद जिंदगी को ना जानना ये जहालत है और अपने मकसद जिंदगी के बारे में जान के उस मकसद को अचीव करने की कोशिश ना करना ये बेवकूफी है तो दोनों सूरतों में या तो हम जाये यहां बेवकूफ है तो वही इंसान अक्लमंद है कि जो अपने मकसद जिंदगी को जानता भी है और अपने मकसद जिंदगी के मुताबिक फिर जिंदगी गुजारता भी है तो तभी उस इंसान को कहा जाएगा कि हां ये अकलमंद इंसान है कि जिसको क्लैरिटी है अबाउट इस लाइफ उसको पता है कि मैं क्यों आया हूं और उसको पता है कि मुझे क्या करना है और वो अपनी जिंदगी में पता होने के साथ साथ उस चीजों को अप्लाई भी कर रहा है तो मकसद जिंदगी पहली चीज दूसरी चीज मकसद जिंदगी को अचीव करने के लिए जो हमने हमने समझ तो लिया कि अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में इस काम के लिए भेजा है अल्लाह उस्मान ते कि मेरी बंदगी करो मेरी इबादत करो अब वो इबादत और बंदगी कैसी होगी ये पता कैसे ले गए भाई किस किस चीज के अंदर हमने बंदगी करनी है इबादत करनी है और वो क्या ऐसे चीजें जो कि जॉब डिस्क्रिप्शन में शामिल हैं? और वो भी अल्लाह ते कुरान में बता दिया या आई हो अल्लाजी आ मनखलसलमी काफा अल्लाह स्मान ने क्या फरमाया कि ए मान वालों दीन में दाखिलो पूरे के पूरे तो जॉब डिस्क्रिप्शन भी अल्लाह तला ने दे दी कि भाई तुम्हारी जॉब डिस्क्रिप्शन ये है कि पूरे दिन को फॉलो करो और पूरा दिन अल्लाह सुख्याल ने कुरान और सुन्नत की शक्ल में हमें अता फरमाया तो चीज़ें तो बड़ी वाज है हमारे पास लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास या तो इल्म नहीं है और अगर इल्म है तो अमल नहीं है और अगर अमल है तो वक्ती तौर के ऊपर उसके बाद हम चेंज हो जाते हैं और अगर है भी तो थोड़ा होता है हम पूरा नहीं करते तो ये सारी चीज़ें बड़ी नुकसान की हैं कि अगर इंसान अपने मकसद को ना समझे तो हमें क्या करना है कि एक तो अपने मकसद जिंदगी के बारे में बार बार रिमाइंड कराना अल्लाह अल्ला ने मुझे यहां पे इस काम के लिए नहीं भेजा कि मैं दुनिया में वक्त ज़ाया करूं मैं इसलिए नहीं आया कि मैं सिर्फ माल कमाने में अपनी एनर्जीज लगा दूं मैं इसलिए नहीं आया कि मैं माल कमा कमा के अपने ब्रांड्स अपग्रेड करता रहा मैं अपनी गाड़ियाँ अपग्रेड करता रहूं मैं अपना घर अपग्रेड करता रहा मैं अपने जो भी मेरी इस दुनिया में थोड़ा सा वक्त अल्लाह ने मुझे दिया है इसी को ही खूबसूरत और शानदार बनाने में लगा रहा और एक वक्त ऐसा आएगा कि सारी एनर्जी सारा फोकस सारी मेहनत इसी काम में लगा दी और जब इस दुनिया से जाने का वक्त आया तो उस वक्त रियलाइज़ हुआ कि जो मेरा असल मकसद था उस मकसद को हासिल करने के लिए मैंने अपनी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं किया लेकिन उस वक्त की ये हसरत इंसान के किसी काम नहीं आएगी बिकॉज देर इज़ नो टर्निंग बैक जब दुनिया से जाने का वक्त आएगा फिर सिर्फ हसरत होगी और वो हसरत किस काम की कि इंसान आज सेहत है आज अक्ल अल्लाह ने है आज अल्लाह ने वक्त दिया आज अल्लाह ने मौका दिया आज हम उस उस मकसद को हासिल कर लें उसके लिए मेहनत कर लें ताकि जाते हुए हमें हसरत नहीं हो बहर जाते हुए तो हर एक को हसरत वैसे भी होनी है चाहे इंसान जितना मर्ज़ी नेक आमाल करे इस दुनिया से जाते हुए हर एक को ही हसरत होती है और यही रियलाइजेशन होती है कि मैं अपनी ज़िंदगी में वो हक अदा नहीं कर सका जो कि मैं मुझे करना चाहिए था लेकिन हमें बहरहाल कोशिश ये करनी है कि जितना ज़्यादा वक्त जितनी ज़्यादा ताकत और एनर्जी हम अल्लाह की अतात में लगा सकें उस मकसद को हासिल करने के लिए तो पहली चीज़ इंसान अपने मकसद ज़िंदगी से जब गाफिल होता है तो फिर आखिरत में उसका नुकसान होता है दूसरी चीज़ जिस चीज़ से हम लोग अक्सर गाफिल हो जाते हैं वो क्या है अल्लाह की याद से गफलत अल्लाह की याद से गफलत अल्लाह ने कुरान में फरमाया ये आई हो लजीना आमनू फैज ईमान वालों तुम्हें तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद अल्लाह की याद से गाफिल ना करे और जो कोई भी ऐसा करेगा वो नुकसान उठाने वालों में से होगा खसारा पाने वालों में से होगा और अल्लाह सु जब भी खसारे का जिक्र करते हैं तो नुकसान का जिक्र करते हैं तो वो नुकसान कोई हमारे बिज़नेस का नुकसान नहीं होता वो नुकसान कोई हमारे माल का नुकसान नहीं होता वो नुकसान ये नहीं होता कि तुम्हारी गाड़ी छोटी रह जाएगी तुम दुनिया में स्टेटस अच्छा हासिल नहीं कर सकोगे तुम लोगों के अंदर हाई प्रोफाइल किस्म के इंसान नहीं बन सकोगे असल नुकसान वो है जो कि आखरत का नुकसान है और अल्लाह सुबह जब भी नुकसान का ज़िक्र करता है वो आख़रत का नुकसान होता है क्योंकि अल्लाह के नज़दीक दुनिया में दुनिया की सारी दौलत इकट्ठी कर लें दुनिया के सारा चांदी सोना जो भी जितनी भी एसेट्स हैं दुनिया के अंदर वो सारे इकट्ठे करके जिनको हम समझते हैं कि फ़ायदे की चीज़ें हैं वो सारी इकट्ठी करके किसी एक इंसान के नाम कर दी जाए लेकिन अल्लाह सुपाँ ती ये फ़ैसला कर ले कि ये इंसान जहन्नुम में जाएगा तो वो सारी फ़ायदा चीज़ें जो हमारे नज़दीक फ़ायदा हैं वो उसको एक जरा बराबर भी फायदा नहीं दे सकती क्योंकि जब वो सब कुछ होने के बावजूद अगर उसका ठिकाना जहन्नुम है तो इससे बड़ा नाकाम और इससे बड़ा नुकसान वाला कोई इंसान नहीं है तो अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं यहां कि तुम्हें तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद अल्लाह की याद से काफिल ना करें और माल और औलाद का तस्करा इसलिए किया क्योंकि यह दो बड़े ऐसी चीजें होती हैं इंसान की जिंदगी में जिनकी वजह से इंसान अल्लाह की याद से काफिल होता है ऐसा नहीं है कि अब सिर्फ ये दो चीजें हैं ये दो बड़ी चीजें होती हैं जिसकी वजह से इंसान अल्लाह की याद से काफिल होता है इंसान माल कमाने में लगता है चाहे वो जॉब करता हो बिजनेस करता हो जब उसको माल कमाने का खपत चढ़ जाता है उस पर जुनून सवार हो जाता है और वो माल की मोहब्बत में इतना डूब जाता है कि उसको लगता है कि बस अब मैंने दिन रात सिर्फ माल कमाना है तो क्या होता है कि फिर वो चौदह घंटे सोलह घंटे सिर्फ माल कमाने में लगा हुआ है और उसको कोई होश नहीं है कि मेरा एक रब है जब नमाज़ का वक्त होता है मैंने नमाज़ पढ़नी है कुछ वक्त निकाल के मैंने अल्लाह के दीन को समझना है कुछ वक्त निकाल के मैंने अल्लाह के हकूक़ पूरे करने हैं कुछ वक्त निकाल के मैंने अल्लाह के बंदों के हकूक़ पूरे करने हैं क्योंकि सारी चीज़ें क्या है कि फिर वो उसकी ज़िंदगी से निकल जाती हैं क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ माल को हासिल करने के अंदर एक जुनून की कैफियत में ज़िंदगी गुजार रहा होता है और दूसरी वजह औलाद होती है और औलाद से इंसान को जो मोहब्बत होती है औलाद की मोहब्बत इंसान से वो काम करवा देती है जो कि कोई और चीज़ भी नहीं करवा सकती बहुत से लोग हैं जो माल की मोहब्बत को तो कंट्रोल कर लेते हैं लेकिन औलाद की मोहब्बत में आने की वजह से वो अल्लाह से गाफिल हो जाते हैं अल्लाह की याद से गाफिल हो जाते हैं और अल्लाह की नाफरमानी करने लग जाते हैं तो ये दो बड़ी चीज़ें हैं जिनका, जिनका जिक्र अल्लाह ताल ने कुरान में फरमाया जो कि इंसान को अल्लाह की याद से गाफिल करते हैं तो अल्लाह तै ने कहा कि ये दो चीज़ें तुम्हें अल्लाह की याद से गाफिल ना करें और अल्लाह की याद से मुराद क्या अल्लाह के जिक्र से मुराद क्या है इसके अंदर नमाज भी शामिल है इसमें क़ुरान पढ़ना भी शामिल है इसमें तस्पीहत भी शामिल हैं और इसमें अल्लाह को याद करना जैसे कि सोच के याद करना दिल में याद करना अल्लाह के बारे में सोचना ये विशेष शामिल है अल्लाह की याद के लिए बेहतरीन चीज़ जो अल्लाह सुन ने अता फरमाई वो नमाज है और नमाज अल्लाह साल ने जब मैं अता फरमाई कुरान में एक जगह पर अल्लाह ताली ने उस नमाज का मकसद उस नमाज़ का मकसद ही ये बयान फरमाया वाकि में ज़िक्री, तैयारी वाकई में ज़िक्री के तुम नमाज कायम करो मेरी याद के लिए यानी अल्लाह ने नमाज हमें दी ही इस काम के लिए थी कि उस नमाज में तुम मुझे याद करो उस नमाज को तुम कायम करो मेरी याद के लिए यानी अल्लाह की याद के लिए तो नमाज का मकसद ही अल्लाह की याद है लेकिन मसला यह है कि आज हम लोग जब नमाज़ पढ़ते हैं तो हमारी नमाज में अल्लाह की याद नहीं होती और जिस नमाज में अल्लाह की याद नहीं होती वो नमाज इंसान को फिर वो फ़ायदा नहीं पहुंचा सकती जैसा फ़ायदा पहुंचना चाहिए और फिर अक्सर ये सवाल उठते हैं कि मैं नमाज़ पढ़ता हूं लेकिन उसके बावजूद भी मेरी ज़िंदगी में कोई चेंज नहीं आती मैं नमाज़ पढ़ता हूं लेकिन मुझे कोई सुकून नहीं मिलता मैं नमाज़ पढ़ती हूँ लेकिन मुझसे फिर भी गुनाह हो जाते हैं मैं नमाज़ पढ़ता हूँ लेकिन मुझे यूं लगता है कि मैं बस सिर्फ एक आदत के तौर पर पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ लेकिन उससे मुझे कोई बेनिफिट महसूस नहीं होता तो यह याद रखिए कि इसका मतलब यह नहीं है कि नमाज में प्रॉब्लम है इसका मतलब यह है कि मेरी और आपकी नमाज ऐसी नहीं है कि जो हमें वो फायदे पहुंचा सके जो कि असल में नमाज के फायदे हैं जब तक हम अपनी नमाज को ठीक नहीं करते हमारी नमाज ऐसी जब तक नहीं होती कि वह नमाज सिर्फ अल्लाह के लिए हो और उस नमाज में सिर्फ अल्लाह की याद हो जब तक ऐसी नमाज नहीं होगी तो इंसान की जिंदगी में अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह का ताल्लुक़ और अल्लाह का खौफ नहीं आ सकता और इंसान की जिंदगी में चेंजेस नहीं आ सकती और ये बड़ी अजीब बात है अक्सर लोग इस चीज़ के बारे में आ, कमेंट करते हैं और बड़ा अफसोस मुझे होता है इस बात के ऊपर नॉन मुस्लिम जब कभी इस्लाम की किसी बात के बारे में बात करें ना तो वो एक फिर भी समझ आते क्योंकि उनको तो पता ही नहीं वो अल्लाह को नहीं जानते वो इस्लाम को नहीं जानते वो कुरान को नहीं जानते वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं जानते उनको तो इन चीजों का पता ही नहीं है उनको नमाज का पता नहीं है कि नमाज क्या होती है क्या क्यों पढ़नी है क्या फायदा मुसलमान जब इस किस्म की बातों के बारे में कमेंट्स करते हैं तो मैं बड़ा हैरान होता हूं नमाज के बारे में क्या कहते हैं जी नमाज पढ़ने का क्या फायदा जी नमाज पढ़ के भी गुना होता तो नमाज पढ़नी नहीं चाहिए नमाज से क्या फर्क पड़ता है मुसलमान कह रहे हैं एक दूसरे को तो क्या मकसद है बताने का कि नमाज को डिस्करेज किया जा रहा है यानी अगर एक शख्स नमाज पढ़ता है लेकिन नमाज पढ़ने के साथ साथ उससे कोई गलती होगी अगर उससे कोई गुनाह गुनासरज हो गया तो लोग पहली चीज क्या करते हैं फौरन इस चीज को टारगेट करेंगे भाई नमाज ही छोड़ दो क्योंकि तुम ऐसी नमाज का क्या फायदा कि नमाज पढ़ के भी तुम जो है सूद पे कारोबार कर रहे हो नमाज पढ़ के भी तुम जो है वो झूठ बोल की चीजें बेच रहे हो तो नमाज छोड़ दो तुम मुसलमान मुसलमान को आइडिया दे रहा होता है ये ऐसी ही बात है कि मतलब फिर अगेन हम जब दुनिया के परस्पेक्टिव लेते हैं और दीन का परस्पेक्टिव लेते हैं तो वही लोग दुनिया के मामले में एक बिल्कुल डिफरेंट सोच रखेंगे और दीन के मामले में एक बिल्कुल डिफरेंट स्टैंडर्ड रखेंगे ये ऐसे ही है कि कोई शख्स ये कहे कि हार्वर्ड के अंदर एक क्लास में बीस बच्चे पढ़ते हैं और बीस में से उन्नीस जो है उन्होंने आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया लेकिन एक जो है वो फेल हो गया अब कोई शख्स ये कहे भाई हार्वर्ड में जाके फेल हो गया और जिसका बेटा फेल हुआ है वो उठ के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को गालियां देना शुरू कर दे मैं तो पहले ही कहता था थकी हुई यूनिवर्सिटी है मैं तो पहले ही कहता इनकी रेटिंग दो नंबर है यू नो फॉर अब सुनने वाले ये कहेंगे भाई हुआ क्या है अगर आपका बेटा फेल हुआ पहले ये तो चेक करेंगे बेटे में मसला नहीं था और जब पता चेक किया जाए तो पता लगता साहब जो थे वो क्लासेस अटेंड नहीं करते थे वो बंक करते थे टीचर पढ़ा रहा होता था वो मोबाइल पे बैठे गेम्स खेल रहे होते थे उनका ध्यान कहीं और होता था उनको असाइनमेंट दी जाती है वो असाइनमेंट नहीं करते थे तो उसने तो फेल ही होना था लेकिन वहां पर हॉर्वर्ड यूनिवर्सिटी को तो ब्लेम नहीं किया जाएगा उस लड़के को उस बच्चे को ब्लेम किया जाएगा बिकॉज उसने वो सारी चीजें फुलफिल नहीं की जिनको फुलफिल करने की वजह से उसने पास होना था तो वहां पर तो बड़ी अकल हमारी काम करती है सारे उस बंदे पे चढ़ जाए कहेंगे तुम बेवकूफ हो तुम हावर्ड यूनिवर्सिटी को कैसे कह सकते हो तो गलत तुम अपने बेटे को गलत को तो यूनिवर्सिटी को गलत करने के लिए कोई बात नहीं कहेंगे उसको गलत नहीं कहेंगे जो गलत कहेगा उसके ऊपर सारे चढ़ जाएंगे जो कि बिल्कुल ठीक बात है लेकिन जब दीन का मामला आता है तो होना तो ये चाहिए कहना चाहिए नमाजी में प्रॉब्लम है कि नमाजी उस तरह की नमाज नहीं पढ़ रहा बल्कि उल्टा हम क्या कहते हैं वो नमाज ही ना पढ़ो नमाज पढ़ने से क्या फायदा होता है भाई नमाज अगर कोई शख्स सही नहीं पढ़ रहा और उसको उसका फायदा नहीं पहुंच रहा उसकी जिंदगी में चेंज नहीं आ रही तो उसको यह बताने की जरूरत है कि देखिए आप अपनी नमाज को दुरुस्त करें लेकिन हम चूंकि एक तो इल्म कोई नहीं और ऊपर से हमारे अंदर किसी दूसरे की हमदर्दी भी कोई नहीं और तीसरा हमारे अंदर अपने अमल अपने हैं। तो नमाजी को बताने की है कि आपने नमाज पढ़ना तो छोड़ दो तो बहरहाल मकसद यह है कि चूंकि हमारी नमाजों में अल्लाह की याद नहीं होती जहां से बात शुरू हुई थी कि अल्लाह की याद नहीं होती तो अल्लाह की याद ना होने की वजह से क्या होता है कि हमारी जिंदगी में नमाज के फायदे भी हमें नजर नहीं आते तो इसमें क्या है कि नमाज में भी अल्लाह की याद का होना ये भी एक बहुत बड़ा अल्लाह ताला ने हम पे एहसान किया कि अल्लाह ताला ने पांच दफ़ा हम पे फ़र्ज़ किया ताकि जो इंसान जो है वो सारे दिन में किसी और वक्त अल्लाह को याद नहीं भी कर सकता तो कम से कम पांच दफ़ा तो अल्लाह ने लाजमी किया कि तुम आके मुझे याद कर लिया करो तो अल्लाह की याद करने को अल्लाह को याद करने के लिए नमाज एक बहुत बड़ा अमल है और इसको अगर हम अपनी ज़िंदगी में सही तरीके से अदा करें तो इससे भी अल्लाह की याद जो है वो हमारी जिंदगी में आ सकते हैं इसी तरीके से कुरान का पढ़ना कुरान के पढ़ने की वजह से इंसान की जिंदगी में क्या होता है अल्लाह की याद आती है लेकिन यहाँ पे भी हमारा वही प्रॉब्लम है कि कुरान अल्लाह सफात ने हमें सिर्फ उसके रात करने के लिए तलावत करने के लिए नहीं दिया था यह भी करनी है मैं ये नहीं कह रहा कि यह नहीं करनी यह भी करनी है लेकिन आप ये जान लीजिए कि अगर आप सिर्फ तलावत करते रहेंगे तो उस तलावत करने का आपको फायदा तो जरूर होगा इस एतबार से कि नेकियों का काउंटर जो है वो इन शाह तला बड़ी तेजी से चलेगा लेकिन वो जो रियल बेनिफिट ऑफ कुरान है वो जो पावर ऑफ कुरान है वो कुरान जो इंसान को पकड़ लेता है जकड़ लेता है वो फीलिंग जो अंदर डेवलप होती है वो जो अल्लाह की खशियत पैदा होती है जो अल्लाह का खौफ पैदा होता है जो अल्लाह से ताल्लुक एक कायम होता है जो अल्लाह की अजमत इंसान के दिल में आती है जो अल्लाह की रहमत का एहसास होता है जो अल्लाह के गजब का खौफ होता है जब अल्लाह सुफान तला जन्नत का तस्करा करता है तो इंसान में जन्नत का शौक पैदा होता है जब अल्लाह सुपान तौला जहन्नुम का तस्करा करता है तो जहन्म का खौफ पैदा होता है जब अल्लाह ताला अपनी रहमत का जिक्र करता है तो अल्लाह से मोहब्बत पैदा होती है जब अल्लाह ताला अपने गजब का जिक्र करता है तो अल्लाह का खौफ पैदा होता है ये सारी जो अंदर फीलिंग्स होती हैं असल में तो फीलिंग्स है ना दिल की कैफियत है यह सारे आमाल जो अल्लाह ने हमें दिए हैं उनका मकसद ये होता है कि इंसान के दिल में वह अहसास वह जज्बात वह फीलिंग्स जनरेट हों क्रिएट हों जो कि इंसान को अल्लाह से कनेक्ट कर सके और कुरान जब समझ के नहीं पढ़ेंगे तो आपको अल्लाह से कनेक्शन नहीं हो सकता साहबा जब कुरान पढ़ा करते थे तो ऐसा क्यों होता था कुरान पढ़ते पढ़ते किसी आयत पर पहुंचते थे तो आंखों से आंसू जारी हो जाते थे समझ आती थी तो आंखों से आंसू जारी होते थे जब समझ ही नहीं आएगी तो आंखों से आंसू कैसे जारी होंगे कई आयत ऐसी होती है कि इंसान पढ़ते पढ़ते एकदम रुक जाता है इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं वो फीलिंग कहां से आएगी जब समझ ही नहीं आ रही तो वो फीलिंग कैसे होगी तो कुरान भी अल्लाह की याद का एक बहुत बड़ा जरिया है लेकिन वो भी अगेन उस वक्त अल्लाह की याद का जरिया होगा जब हम उसको समझ के पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ हिस्सा कुरान का आप तलावत करते हैं तो करते रहिए लेकिन उसके साथ साथ कोशिश करें कि उसको समझ के पढ़ें जितना जितना समझ के पढ़ेंगे उतनी कुरान के साथ भी मोहब्बत होगी और उतनी ही उस कुरान के जरिए से अल्लाह सुनता के साथ भी मोहब्बत होगी तो अल्लाह की याद का ये भी एक बहुत बड़ा जरिया है इसी तरीके से तस्बीहात हैं तस्बीहात जब हम करते हैं सुफान अल्लाह कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह ila Alla कहते हैं अल्लाह अकबर कहते हैं और बहुत सारे और अज़कार हैं वो भी अल्लाह की याद का जरिया है और ये वो तस्बीहात का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है नमाज पढ़ने का दिल चाह रहा है मिसाल के तौर तो पर नफली नमाज लेकिन अभी वज़ू नहीं है तो इंसान रुक जाता है कि अच्छा मेरा अभी वज़ू नहीं है अब वजू करूंगा घर पहुंचूंगा वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं कुरान पढ़ने का दिल चाह रहा है वज़ू नहीं है इंसान फिर रुक जाता है तस्बीहात ऐसी चीज़ हैं जिनके लिए आपको वजू की भी जरूरत नहीं है बैठे बैठे आप अल्लाह को याद कर सकते हैं तस्बीहात कर सकते हैं ये तस्बीहात भी अल्लाह को याद करने का जिक्र अल्लाह को याद करने का एक जरिया है तो जब भी कहीं बैठे हो अपनी जुबान से भी अल्लाह का जिक्र करते रहा करें और कोशिश यह किया करें जब जुबान से कहें तो उस चीज का एहसास दिल में भी हो क्योंकि सारी चीज ये सारा जिक्र इसका जो कोर है वो क्या है वो दिल है ये सारी याद का मकसद क्या है ये याद सिर्फ जुबान पे नहीं हो ये तस्करा सिर्फ जुबान पे नहीं हो बल्कि दिल में वो कैफियत हो और दिल की कैफियत समझने के लिए आप यूं सोच लीजिए कि आप अपनी जिंदगी में किसी ऐसे शख्स को इमेजिन करें जिससे आपको शदीद मोहब्बत है और उससे आपको इतनी मोहब्बत है कि आपका दिल चाहता है कि वो हर वक्त आपके पास हो आप उसके साथ हों और वह जब आपसे दूर होता है तो आपका दिल और दिमाग उसके तरफ लगा रहता है तो ये है याद करना ये है याद करना कि चाहे वो साथ नहीं है लेकिन उसके बारे में ख्याल उसका उसका ख्याल दिल में होना ये दिल के अंदर कैफियत है ये अल्लाह सुफान तला हमारे दिलों में वैसे नहीं है हम अल्लाह का जिक्र तो करते हैं लेकिन अल्लाह हमारे दिलों में नहीं है और जब तक अल्लाह दिल में नहीं आएगा अल्लाह की याद दिल में नहीं बैठेगी अल्लाह का खौफ दिल में नहीं आएगा तब तक जुबान से मैं जितने मर्जी लेक्चर्स करता रहूं और आप सुनते भी रहेंगे लेकिन हमारे दिलों तक जब नहीं पहुंचेगी ये चीज़ तक तक तब तक हमारी ज़िंदगी में तब्दीली नहीं आएगी और ये भी होता है कि कभी कभी एक सर्टन टाइम होता है जब इंसान के दिल में ये सारी चीज़ें बड़ी स्ट्रांग होती हैं तो उस वक्त इंसान का अमल भी सही हो रहा होता है और कभी कभी ऐसा होता है कि दिल की कैफियत चेंज हो जाती है ईमान का लेवल कम हो जाता है इंसान इन चीज़ों से दूर हो जाता है तो फिर क्या होता है कि अमाल के अंदर भी चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं तो अल्लाह की याद दिल में भी होना कभी कभी अकेले में बैठ के फारग जब बैठे हों तो उस वक्त बैठ के सिवाए इसके के अपने मोबाइल के बारे में जॉब के बारे में आ, कल बच्चों को सुबह जो है वो लंच में क्या देना है कल खाने में क्या पकाना है नया ब्रांड जो आया है पता नहीं उसकी प्रमोशन की एंडिंग डेट कल है या परसों है यू नो ये सारी चीज़ें सोचने के बजाय कभी अकेले में बैठ के अल्लाह को सोचा करें अल्ला ये जब इंसान वाकई सिंसियरली सारी चीज़ों का ख्याल निकाल के दिल से अपने रब के बारे में सोचता है कि मेरा अल्लाह कैसा होगा वो देखने में कैसा होगा जिस अल्लाह ने इतनी बड़ी कायनत बनाई वो खुद कैसा होगा जो इतना ताकतवर है इन सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है वो क्या क्या ज़ात होगी क्या मत वाले दिन जब उसका सामना करूँगा तो क्या किन अमाल के साथ करूँगा जब वो देख के मुस्कुराएगा तो कैसे मुस्कराएगा जब वो देख के बात करेगा तो बात कैसे करेगा तो अकेले में बैठ के जब अल्लाह को याद करेंगे तो दिल भी नरम होगा अल्लाह की मोहब्बत भी पैदा होगी और फिर अल्लाह से जब ताल्लुक पैदा होता है तो फिर इंसान की पूरी कोशिश होती है कि अल्लाह सुपान को नाराज नहीं करे तो क्या है कि दूसरी गफलत जो है वो अल्लाह की याद से गफलत है इससे हमने बचने है और हमने कोशिश करें कि अल्लाह की याद हमारी जिंदगी में रहे तीसरी चीज़ जिसके बारे में हमें बहुत ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि हम उससे गाफिल नहीं हों या हम अपनी ज़िंदगी में उससे भी गफलत आ, करते हैं वो क्या है मौत से गफलत मौत भी एक ऐसी चीज़ है जिससे जब भी इंसान मौत से गाफिल होकर ज़िंदगी गुजारता है तो याद रखेंगे फिर उसका दिल इस दुनिया में लगा रहता है और जिसका दिल इस दुनिया में लगा रहेगा उसका दिल आखरत में नहीं लग सकता और जिसका दिल आख़रत में नहीं लगा हुआ वो कभी भी अपनी आखरत के लिए काम नहीं कर सकता तो याद रखिए सारी चीजें इंटरलिंक्ड हैं इसलिए किसी एक चीज को पिक करना छोड़ देना उससे पूरी इक्वेशन के ऊपर इसका इफेक्ट आता है मौत एक ऐसी चीज है कि चाहे दुनिया में कोई बादशाह है कोई प्रेसिडेंट है कोई प्राइम मिनिस्टर है कोई रेडी वाला है कोई बिजनेस करने वाला है कोई आई प्रोफेशनल है कोई घर में हाउस है कोई प्रोफेशनल लेवल के ऊपर जॉब कर रही है मर्द है या औरत है Uh, कोई किसी कंट्री के अंदर है कोई मिडल ईस्ट में है कोई नॉर्थ अमेरिका के अंदर है कोई अफ्रीका के अंदर चाह हो कहीं पे भी है हर इंसान ने एक दिन चले जाना है आज हम जमीन के ऊपर हैं कल कुछ अर्सा पहले तक बहुत से लोग थे वो भी जमीन के ऊपर थे वो जो जमीन के ऊपर थे आज जमीन के अंदर जा चुके हैं आज हम जमीन के ऊपर हैं कल हम भी जमीन के अंदर चले जाएंगे तो जाना तो है मौत तो आनी है इससे भागा नहीं जा सकता और मौत एक ऐसी चीज है जिसके बारे में रसोल्ला ने भी फरमाया अक्र जिक्र हाजि में लाती लज्जतों को खत्म करने वाली यानी मौत को कसरत से याद किया करो और मौत को याद करने का मकसद क्या है जब इंसान मौत के बारे में सोचता है तो फिर दुनिया की जितनी लज्जते हैं दुनिया की जितनी ख्वाहिशात हैं उनसे इंसान के दिल में बेरगबती पैदा होती है आज हमारा मसला यह है कि हम मौत के बाद आने वाली जिंदगी की तैयारी इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि हम मौत से पहले वाली जिंदगी के अंदर इतने गुम हो चुके हैं कि उसमें गुम होने की वजह से मौत के बाद आने वाली जिंदगी हमारी आंखों हमारे दिल हमारे दिमाग से निकल चुकी है और मौत एक ऐसा झटका है कि जो इंसान को जब लगता है तो उस वक्त फिर उसको इस दुनिया का ख्याल नहीं रहता उस वक्त उस इंसान को सिर्फ आगे का ख्याल होता है और इस दुनिया का ख्याल सिर्फ उसको इतना ही होता है कि मुझे जो इतना वक्त मिला था मैंने जाया कर दिया मेरा अकाउंट मेरा बैंक बैलेंस मेरे रियल स्टेट मेरी प्रॉपर्टीज मेरी खूबसूरती मेरे फ्यूचर प्लान मेरे विजन मेरे एंबिशन वो सारे के सारे जिनमें मैं लगा हुआ था ये तो फरिश्ता मेरे सर पर आगे खड़ा हो गया और मौत एक तो होती है जो कुछ लोगों को थोड़ी ऐसी बीमारी के नतीजे में आती है जिसमें उनको थोड़ा पहले ही पता लगता है जाने का वक्त करीब आ गया फॉर एग्जाम्पल कैंसर कैंसर अगर बिल्कुल लास्ट स्टेज के ऊपर किसी का और डॉक्टर्स बता देते हैं भाई अब आपके पास चंद हफ्ते या चंद महीने हैं सो दैट इज अ ब्लेसिंग कि उसको पता लग गया अब तो मेरे जाने का वक्त आ गया एटलीस्ट उसको इतना टाइम मिल गया है कि वो तोबा कर सकता है लोगों से माफी मांग सकता है किसी का लेन देन है वो पैसे देने किसी के पैसे लुटा सकता है और अल्लाह के सामने तोबा करके अपने आप को ज्यादा ज्यादा पाक करके दुनिया से जा सकता है लेकिन अक्सर मौत ऐसे आती है कि जब इंसान सोच भी नहीं सकता और अचानक मौत आके पकड़ लेती है ये वो खौफनाक मौत है मिसाल के तौर पे हार्ट अटैक होना जो है इंसान का जो वो कोलेप्स कर जाना आप इंसान जो है किसी भी वजह से एकदम से खड़े खड़े खत्म हो जाना कितनी ऐसी मौतें आती हैं एक्सीडेंट का होना जलजला आया उसमें खत्म हो गए फ्लड आया उसमें चले गए नो कितनी ऐसी मौतें जो अचानक आती है अब अचानक मौत का प्रॉब्लम क्या है कि जब इंसान बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं होता किसी चीज़ के लिए उसका झटका भी उतना ज़्यादा ही लगता है आप खुद सोचिए कभी कभी मैं सोचता हूं कभी बैठ के सोचा करें मैं भी कोशिश करता हूं और आप कभी सोचें कि बैठे हुए या लेटे में रात को सोने लगे और अचानक क्या हुआ कि सामने कुछ ऐसे लोग आके खड़े हो गए जिनको आप पहचानते नहीं हैं क्या करेंगे क्योंकि हदीस में क्या आता है इंसान की रूह कब्ज़ करने के लिए जब फरिश्ते आते हैं या वो स्या रंग के होते हैं या वो रोशन होते हैं काफिर फासिक फाजर की रूह कब्ज़ करने के लिए स्या रंग के फरिश्ते आते हैं और जो ईमान वाला होता है उसकी रूह कब्ज़ करने के लिए रोशनी के फरिश्ते आते हैं अल्लाह साल हम सबको वो ईमानतः फरमाए और जब हमारी रूह कब्ज़ हो तो अल्लाह साल हमारे लिए खैर के रोशनी वाले फरिश्ते भेजे लेकिन अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए सोचा करें कि अगर अचानक मेरे सामने आके ये स्या रंग के फरिश्ते खड़े हो गए तो वक्त मैं क्या करूंगा क्या जवाब दूंगा उन्हें क्या उन्हें यह बताएंगे कि मैं प्रिपेयर नहीं हूं क्या उन्हें यह बताएंगे कि आप प्लीज यू you नो know, आप चले जाइए अभी मुझे यकीन आ गया कि बस मौत आती है बस आप मुझे एक चांस दे दे अब मैं बहुत अच्छी जिंदगी गुजारूंगी और मैं बहुत अच्छी जिंदगी गुजारूंगा डू यू थिंक कि वो फरिश्ते मेरी और आपकी बात सुनेंगे क्योंकि मौत का वक्त अल्लाह ने जो मुकर्र किया है उससे एक सेकंड भी ऊपर नीचे नहीं होगा ये यकीन हमारे अंदर नहीं है और वो जब आ जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे उस वक्त तैयारी की फिक्र हो उस वक्त हम एहसास करेंगे मैंने नमाजें नहीं पढ़ी उस वक्त हमारे अंदर ये ख्याल है कि मैंने अपने जक़ात अदा नहीं की उस वक्त ये ख्याल है कि मैं पर्दा नहीं करती थी मुझे पर्दा करना था उस वक्त ये ख्याल है कि मैंने तो अल्लाह की के लिए प्लान किया हुआ था मैंने ये सोचा था कि अगले साल से मैं अल्लाह की अताज शुरू करूंगा या करूंगी मैंने हज पिछले 15 साल से जो है वो डिले किया तो मैंने अगले साल प्लान किया था लेकिन उस हमारा हसरतें, हसरतें दे दीदार कर लिया आपके पास दोबारा आएंगे तो वो तो मौका नहीं मिलेगा तो ये एहसास और ये सोचना कि अगर आज मेरे पास फरिश्ते आ गए तो क्या मैं वाकई हूं इस दुनिया से जाने के लिए क्या मैं अल्लाह को फेस करने के लिए प्रिपेयर्ड हूं क्या मैं अल्लाह का सामना कर सकता हूं क्या मेरे नाम आय अमाल अपना अपने नामायमाल हम अपने खुद खोल के देखें तो क्या इस काबिल है आज देखने के लिए मैं कभी कभी बैठ के सोचता हूं लिस्ट के बारे में कि क्या क्या चीजें जो इंप्रूव करने वाले तो अल्लाह एक लंबी लंबी लिस्ट निकल आती है ये भी इंप्रूव करना है ये भी इंप्रूव करना ये भी इंप्रूव करना ये भी इंप्रूव करना, करना है तो जब इंसान के अपने सामने ही अपनी इतनी सारी कोताहियां मौजूद हो तो अल्लाह से फांतला तो उसके अलावा भी और दिखाएगा कि इंसान अपने बारे में जरा हुसने जन से काम ले रहा होता है अगर पचास गलतियां हैं तो वो जरा अपने आप को तसली देने के लिए दस बारह ही नोट करता है लेकिन अल्लाह सुफहान तला तो सारी दिखाएगा ना तो क्या हम उस मौत के लिए प्रिपेर है तो मौत को याद करना कि जब वो फरिश्ते आएंगे तो मेरा क्या होगा क्या मेरी जुबान से कलमा जारी होगा क्योंकि हदीस से क्या पता लगता है आप सल्लल्लाहु अलैहि ने फरमाया कि जिसका आखिरी कलमा ला होगा वो जन्नत में दाखिल होगा क्या मेरी जुबान से कलमा निकलेगा क्या मैं सारे दिन में मैंने अपनी जिंदगी में अपनी जुबान को उस कलमे की इतनी आदत डाली है कि मौत के वक्त मेरी जुबान से जो है वो क्या निकलेगा और मैं आपको से एक टेस्ट बताता हूं जब भी आपकी लाइफ में या अचानक एक कोई इंसिडेंट आता है कोई झटका आता है फॉर एग्जाम्पल कोई होता है ना लाइफ में अचानक ऐसी चीज सामने आती तो है इंसान घबरा जाता है डर जाता है कुछ लोग चूहे को देख के डर जाते हैं कुछ लोग चिपकली जगह पर आ जाते हैं यू नो अचानक जलजला आ जाता है अचानक खड़ी गाड़ी के साथ दूसरी गाड़ी टकरा गई बहुत से ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं हमारी लाइफ के अंदर तो जब ऐसी सिचुएशन होती है तो अपना एक अपने आप को जरा चेक किया करें कि आपकी जुबान से उस वक्त क्या लफ्ज निकलता है जब गाड़ी टच हुई थी तो क्या निकला था ला ला लाल ला निकला था, था या हा निकला था या हु निकला था यू नो हर एक के अपने अपने अल्फाज होते हैं तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा टेस्ट है अपनी जुबान को हर मुश्किल वक्त में लाय लाय ला ला लाला कहने की आदत डालें क्योंकि ये वो चीज़ होती है जब इंसान अपने आप को कॉन्शियसली प्रिपेयर कर रहा होता है तो जब भी मुश्किल आए ला ला लल्ला कहने की आदत डालिए कलमे की आदत डालें ताकि जब दुनिया से जाने का वक्त हो तो अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि अल्लाह ताला ये हमारी नीयत को जानता होगा कि मेरा ये बंदा मुस्तकिल प्रिपेयर करता रहता था जब भी इसको कोई मुश्किल होती थी फौरन ला लाला ला पढ़ लेता था तो इसने इतनी कोशिश की तो अल्लाह की रहमत है कि अल्लाह उमान तैमो में उन लोगों में शामिल कर ले उस वक्त भी कि जब मौत का वक्त करीब आए और जब मौत सामने आ जाए और इससे बड़ा झटका तो और कोई हो नहीं सकता तो उस वक्त भी अल्लाह उमान हमारी जुबान से ला लाला ला ला को जारी कर दे तो ये तीसरी तीसरी चीज़ क्या है मौत से गफलत इससे भी हमें बाहर निकलना जब मौत से गफिल हो जाते हैं तो फिर हम अपनी ऐसी जिंदगी गुजार रहे होते हैं जो कि अल्लाह की नाफरमानी वाली जिंदगी होती है चौथी चीज़ क्या है कबर की ज़िंदगी से गफलत हम में से अक्सर लोग जो है वो कबर की ज़िंदगी के बारे में बहुत सारे लोग एक तो ये है कि एक अलग डिस्कशन है कि बहुत से लोग कहते हैं कबर की ज़िंदगी कोई चीज़ होती नहीं लेकिन जब आप, आप हदीस का मताल करते हैं तो आपको और पता लगता है कि क़बर से मुतल इतनी डिटेल में रसोल्ला वसम ने अहकाम बताए और कि अगर इंसान उनको ज़रा गौर करे तो इंसान को वाकई एहसास होता है कि ये ऐसी स्टेज है कि अगर इसके बारे में मैंने तैयारी नहीं की तो मैं तुम्हारा आ जाऊँगा और इसके बारे में बहुत सारी अदीस हैं उस्मान रज से एक रिवायत है कि उन्होंने फ़रमाया कि मैंने को ये फ़रमाते हुए सुना कि आपने फ़रमाया कि मैंने कोई ख़तरनाक मंज़र नहीं देखा मगर क़बर का मंज़र सबसे ज़्यादा खौफनाक है यानी आपलस क्या फरमा रहे हैं कि मैंने कबर से ज्यादा खौफनाक मंजर नहीं देखा हालांकि आप वसल्लम को अल्लाह ताला ने बहुत सारी और चीज़ें दिखाई थी मेराज के मौके के ऊपर मुख्तलिफाब दिखाए इसके अलावा ख्वाब के अंदर भी बहुत सारे ऐसे हालात दिखाए लोगों को तरह तरह के अजाब होते हुए दिखाए लेकिन आपल वसूल क्या फरमा रहे हैं कि जो कबर का मंजर है मैंने इससे ज्यादा खौफनाक मंजर नहीं देखा तो सवाल यह है कि क्या वाकई हम उस कबर वाली स्टेज के लिए हम तैयार हैं इसी तरीके से एक और हदीस में आता है आप वसल्लम ने फरमाया कि मुझे अगर इस चीज़ का अंदेशा ना होता कि तुम लोग अपने मुर्दों को दफनाना बंद कर दोगे तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करता कि वो तुम्हें कबर का अजाब सुना दे यानी कबर का जो अजाब है वो इतना शदीद है इतना खौफनाक है कि जिसको वो अजाब हो रहा होता है और उस अजाब की वजह से मुर्दे की जो चीखो पुकार होती होती है है वो इतनी दिल दहला देने वाली होती है कि आप ने क्या फरमाया कि अगर मुझे इस चीज का डर ना होता कि तुम अपने मुर्दों को दफनाना बंद कर दोगे तो मैं अल्लाह से दुआ करता कि वो आवाजें तुम्हें सुनवा दे यानी अगर हम आज वो आवाज सुन लें तो उस खौफ की वजह से कि मुर्दे के साथ कबर में क्या होना है हम अपने मुर्दों को दफनाना बंद कर दें क्योंकि किसका दिल चाहता है कि उसका करीबी जानने वाला जिससे वो सारी जिंदगी मोहब्बत करता रहा और उसको ये पता लगे कि अब इसके साथ आगे क्या होना हमें पता नहीं है कि इससे क्या होना है अल्लाह सब की हिफाजत फरमाए अल्लाह ताला हमारी हमारे जानने वाले जितने करीबी जानने वाले सबको कबर के अजाब से महफूज़ फरमाए लेकिन हमारे पास कोई गारंटी तो नहीं है ना तो क्या है कि कबर का जो अजाब है कबर के अजाब के बारे में आपने क्या फरमाया कि ये इतना शदीद है कि अगर सिर्फ हम सुन लें उस मुर्दे के साथ जो कुछ हो रहा होता है तो हम अपने मुर्दों को दफनाना बंद कर दें तो हमें यह सवाल करना चाहिए कि क्या मैं उसके लिए प्रिपेयर्ड हूं क्या मैं कबर की स्टेज के लिए प्रिपेयर्ड हूं क्या जब कबर में मुझे डाला जाएगा और कबर में डालने के बाद जब मुनकर नकीर मेरे पास आएंगे तो क्या मैं उनका सामना कर सकूंगा क्या मुनकर नकीर जब मुझसे सवाल करेंगे तो उन सवालों का जवाब मैं दे सकूंगा क्या कभी मैंने बैठ के अल्लाह से फांत से सिंसियरली और डर से और खौफ से ये दुआ मांगी कि अल्लाह किबर की जिंदगी में साबित कदम रखना याला कबर की जिंदगी में मुझे इस्तेमत अता फरमाना याला कबर की जिंदगी में जब मुझसे सवाल किए जाए तो तुम मेरी मदद करना उनका सही जवाब देने में और वो अमाल जो कबर की जिंदगी में और कबर में अजाब से बचाने वाले हैं क्या मैं वो आमाल कर रहा हूं तो कबर के बारे में सोचना यह भी इंसान के दिल को नरम करता है इसीलिए रसोल्ला ने क्या फरमाया कि मर्दों के लिए हुक्म दिया कि कसरत से तुम कब्रस्तान जाया करो उनको कब्रस्तान में जाके कबरों को के पास जाया करो क्योंकि उनके पास जाने की वजह से इंसान का दिल नरम होता है आज हमारे दिल सख्त क्यों हो चुके हैं क्योंकि सारा वक्त दुनिया की बात सारा वक्त दुनिया देखते रहते हैं और ये दुनिया की चीजें देख देख के हमारे दिल इतने गंदे और गलीज हो चुके हैं कि इनके अंदर फिर नरमी इनके अंदर से खत्म हो चुकी है जो जिस दिल में अल्लाह की मोहब्बत होती है आखरत की फिक्र होती है आखरत में कामयाबी का जज्बा होता है आखरत में नाकामी का डर होता है अल्लाह की नाराजगी से बचने का एक खौफ एक, एक, एक होता है कि मैं मैं अल्लाह को नाराज़ नहीं करूं, तो वो इंसान अपने हकूकल्ला और हकूकलबाद सबको ठीक रखने की कोशिश करता है लेकिन जब दिल करप्ट हो जाते हैं सारा वक्त सेल फोन्स को देखना और नए कपड़ों के बारे में देखना और फैशंस के बारे में देखना और हर वक्त यही देखते रहना कि मैंने अपनी बॉडी कैसे खूबसूरत बनानी है मैंने खूबसूरत लगना कैसे है और इन्होंने फल्ला आज कल तो ऐप्स ऐसे अवेलेबल हैं कि अच्छी खासी भूतनी को अच्छी खासी हूर बना के पेश कर देती है और मैं कभी कभी अपनी वाइफ से मजाक करता हूँ कि भाई मतलब कि अब जो दौर है इसके अंदर जब अपने बच्चों की शादियाँ करनी है तो किसी के ऊपर क्या भरोसा करेंगे यू नो वो मुझे जब अक्सर बताती है कि क्या क्या ऐप्स अवेलेबल हैं तो मैं हैरान होता हूं कि असलियत इंसान की क्या है और वो क्या से क्या बना के पेश किया जाता है तो सारा फोकस क्या है अपनी जात को खूबसूरत बनाने में और उसको खूबसूरत बनाने के लिए हर वो चीज जो दुनिया में अवेलेबल है कोशिश होती है मैं वो करना शुरू कर दूं तो जब दुनिया की चीजों में इतने गुम हो जाएंगे तो आखरत से तो गाफिल होंगे और कब्र की जिंदगी से भी गफलत होगी तो ये चीजें हम आखरत से चूंकि गाफिल हुए और वे अराउंड भी है कि हम दुनिया में इतने डूब गए उसकी वजह से हमारी मौत के बाद आने वाली जिंदगी के बारे में हमारे अंदर से वो खौफ ही खत्म हो गया कि हमने अपने आप को उसके लिए प्रिपेयर करना था पांचवी चीज क्या है पांचवी चीज क्यामत के दिन से गफलत और क्यामत का दिन ऐसा है जिसके बारे में अल्लाह ने कुरान में फरमायान्ना सुबा ए लोगो तुम डरो अपने रब से इन न जलजिला तस्त शयीम बेशक क़्यामत का जो जलज़िला है वो बड़ी ही हौलनाक चीज़ है और क्यामत से मतलब तो कुरान के अंदर आयात भरी पड़ी हैं और बेशुमार आयात हैं जिनमें अल्लाह ने त्यामत का जिक्र किया बल्कि पूरे सुरालम है जो कि क्यामत से मुतल अल्ल तक ने पूरी सूरत है कुरान के अंदर जो जिसमें सारा जिक्र किया तो क़्यामत एक ऐसा मंज़र है क्यामत एक ऐसा वक्त है कि जिस के बारे में हमें सोचना चाहिए कि जब क़्यामत कायम होगी तो उस वक्त मैं किन लोगों में शामिल होंगे जब क्यामत कायम होगी और मुर्दों को अल्लाह सुबह अल्ला सब को कब्रों से निकालेगा तो मैदान मैश् में जब लोग जा रहे होंगे तो मैं किन लोगों में शामिल होंगा क्या मैं उन लोगों में शामिल हूँ जो पैदल चल के जा रहे होंगे क्या मैं उन लोगों में शामिल होंगे जो मुँह के बल चल के जा रहे होंगे क्या मैं उन लोगों में शामिल हूँ जो सवारी के ऊपर होंगे जब मैं मैदान मैशर में पहुंचूंगा तो मैदान मैशर में पहुंचने के बाद सूरज जब एक मील के ऊपर होगा तो उस सूरज की गर्मी को बर्दाश्त करने की तो मेरे अंदर सकत नहीं है तो उसकी गर्मी से बचने के लिए अल्लाह सफल ने एक साय का अरेंजमेंट किया वो है अल्लाह के अर्श का साया तो क्या मैं उन लोगों में शामिल हूंगा कि जो अल्लाह के अर्श के सए के नीचे होंगे कि नहीं अगर मुझे अल्लाह के अर्श का साया ना मिला तो मुझे ये एक मील पे जो सूरज की गर्मी है उससे बचने के लिए मेरे पास क्या प्लानिंग है जब अल्लाह सुफान तला लोगों को हिसाब के लिए बुलाएगा और एक एक का नाम ले लेके बुलाएगा जब मुझे इंडिविजुअली बुलाया जाएगा और मेरा नाम लेके मुझे पुकारा जाएगा तो जब मेरा नाम अमाल खोला जाएगा और फैसला दिया जाएगा तो क्या मेरा नाम आमाल मेरे दाएं हाथ में आएगा या मेरे बाएं हाथ में दिया जाएगा अगर मेरे बाएं हाथ में दे दिया गया तो मेरा क्या बनेगा अगर अल्लाह सुफान तला ने मुझे नाकाम लोगों में शामिल दे तो मेरा क्या बनेगा अल्लाह ताला हम सब को लोगों में शामिल करे जो बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाने वाले हैं लेकिन वल्ला है हमने तैयारी तो इस चीज़ के लिए करनी है ना कि अगर हम नाकाम होंगे क्योंकि इसी माइंड सेट के साथ अगर प्रिप्रेशन करेंगे तो तभी हमारे पास कोई उम्मीद है कि हम कुछ ऐसे अमाल लेके चले जाए ताकि उन अमाल के साथ साथ अल्लाह की रहमत जब शामिल हो तो हम उन लोगों में शामिल हो कामयाब होंगे लेकिन अगर तैयारी ही नहीं की और ओवर कॉन्फिडेंट होके चले गए क्योंकि एक और बड़ा यहां पे मसला है कि बहुत से लोग जो ना एक्सट्रीम पे चले जाते हैं दो एक्सट्रीम्स हैं एक वो एक्सट्रीम है लोगों की जो ये कहते हैं जी अल्लाह रहमान और रहीम है कोई अमल नहीं करना बस सबको माफ कर देगा ये एक एक्सट्रीम है ये भी शैतान का धोखा है जो कि जिन लोगों को उसने धोखे में डाला हुआ है कि अमल करने की जरूरत नहीं अल्लाह की रहमत से उम्मीद लगा के रखो दूसरी तरफ वो लोग हैं उस एक्सट्रीम के ऊपर है वो कहते हैं जी अमल जितने मर्जी कर लो आखिर में तो जहनों में ही जाना है तो कोई फायदा नहीं अमल करने का तो यह भी एक और एक्सट्रीम है तो याद रखिए कि अल्लाह सुफान तला ने जो हमें जो कानून दिया है वो क्या है कि हमने तैयारी वो करनी है जो अल्लाह ने हमें करने के लिए कहा है हमने नेक अमाल करने हैं हमने अल्लाह की अताद करनी है हमने अपने फराइज पूरे करने हैं हमने अपने आप को हर किस्म के हराम से रोकना है तैयारी पूरी करनी है लेकिन हमारा भरोसा और हमारी उम्मीद हमारे अमाल से नहीं बल्कि उम्मीद अल्लाह की रहमत से है तो ये दोनों चीजें कनेक्टेड हैं। आप किसी एक चीज को पिक करके दूसरी को छोड़ देंगे तो वो इक्वेशन पूरी नहीं होगी तो अमाल पूरे रखने हैं उम्मीद अल्लाह की रहमत से रखनी है इस कंडीशन के साथ अल्लाह के सामने हाजिर होंगे तो अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि अल्लाह सुला अपनी रहमत का मामला करेगा और हमें कामयाब लोगों में शामिल करेगा तो क्या है कि हमें क्यामत के दिन के लिए तैयार होना कि अगर मेरा नाम है अमाल मेरे बाएं हाथ में पकड़ा दिया गया तो क्या करूंगा मैं अल्लाह को तो चैलेंज नहीं कर सकते अल्लाह सुफान तला से उस वक्त दुआएं मांगे अल्लाह के सामने सजदे में गिड़गिड़ाएं उस वक्त चीखो पुकार करें और ऐसा नहीं है कि लोग नहीं करेंगे लोग करेंगे जो लोग वहां पे मौजूद होंगे उस खौफ की वजह से उस परेशानी की वजह से उस होलनाकी की वजह से लोग अपने हाथ चबाएंगे अपने नाखून खाएंगे यहां तक कि लोग अपने हाथ मुंह के अंदर तक ले जाएंगे उस खौफ की वजह से कि हमारा क्या बनेगा और उस वक्त लोग इतने रोने वाले होंगे कि कुछ ऐसे रोने वाले होंगे कि उनके रोने की वजह से इतने आंसू बहेंगे कि उनके आंसुओं में अगर कश्तियां चलाई जाए तो कश्तियां भी चलाई जा सकती हैं सब चीजें हमें हादी से मिलती हैं लेकिन मकसद बताने का क्या है कि उस वक्त का सजदा उस वक्त की तोबा उस वक्त अल्लाह के सामने हाथ बांधना उस वक्त अल्लाह से रहम की अपील करना उस वक्त अल्लाह के सामने रोना गिड़ कोई काम नहीं आएगा ये वो दिन है जिसमें अल्लाह सुफान तला ने सारे इमोशंस को साइड पर कर दिया है आज हमारे ये इमोशंस काम आ सकते हैं आज ये चंद आंसू अल्लाह के सामने कल क्यामत के दिन बहुत काम आ सकते हैं आज ये चंद सजदे अगर हम सही तरीके से कर लें तो कल क्यामत के दिन काम आ सकते हैं आज हम अल्लाह के सामने खड़े होकर के माफिया मांग लें हाथ बांध लें तो कल क्यामत के दिन हमारे काम आ सकता है लेकिन अगर आज ये काम ना किए और क्यामत में ये सब काम किए तो वल्ला ये किसी काम के नहीं होंगे वो आमाल का दिन नहीं है वो फैसले का दिन है आज फैसले का दिन नहीं है आज आमाल का दिन है अल्लाह ने ये जिंदगी आमाल के लिए दी है फैसले अल्लाह ताला ने पोस्टपोन किए हैं क्यामत के दिन के लिए कल क्यामत के दिन अल्लाह ताला फैसले करेगा आमाल किसी से कोई एक्सेप्ट नहीं होंगे सारी दुनिया के बराबर अगर किसी इंसान के पास सोना चांदी है वो सब भी अगर उस वक्त वो अल्लाह की राह में सदके के तौर पर पेश करे कि अल्लाह ये सारा सदका मेरे से ले ले और मुझे माफ कर दे तो अल्लाह सुपान तला उस दिन किसी का कोई दिया हुआ कबूल नहीं करेगा क्योंकि अमल का वक्त खत्म हो चुका सदका करने का वक्त खत्म हो चुका नमाजें पढ़ने का वक्त खत्म हो चुका अब सिर्फ हिसाब है अब तुम्हारा नाम है आमाल होगा और अल्लाह का फैसला होगा तो हमें ये अपने आप से सवाल करना चाहिए कि क्या हम उस दिन के लिए प्रिपेयर्ड हैं कि नहीं है और अगर नहीं है और उससे गाफिल हैं तो हमें उस दिन के लिए तैयारी करनी चाहिए और फिर पुलसरात का भी एक मरल आया और ऑब्वियसली ये जो अल्लाह तला ने जो जजमेंट दे दिया है जो हिसाब का दिन दिया है ऐसा नहीं है कि उसके लिए हम तैयारी नहीं कर सकते हमें सारे वो अमाल बताए कि अगर तुम्हें अर्श का साया चाहिए तो ये अमाल करो अगर तुम्हें जो है उन लोगों में शामिल होना है जो बगैर हिसाब किताब के जाएंगे तो ये अमाल है जो उन लोगों की एक शनाख्त है अगर तुम्हें तुम ये चाहते हो कि पुलसराज से बिजली की तरह गुजर जाओ तो ये अमाल है अगर तुम्हें हौज कोसर पे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से पानी पीना है तो इन इन चीज़ों से बचो वो सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह अलहमदुल्ल ने हम तक पहुंचाई हैं सो ऑल वी हैव टू टू डू इज नो अबाउट थिंग्स उनके बारे में जाने और उनको अपनी जिंदगी में अमल में लेकर आए ताकि हम लोग उस दिन की नाकामी से बच सकें तो पांचवी चीज क्या है कि क्यामत के दिन की गफलत और एक बड़ी जबरदस्त हदीस है तिबरानी की जिसमें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई आदमी पैदाइश से लेकर बुढ़ापे की मौत तक अल्लाह को राजी करने वाले आमाल में अपना चेहरा गिराए रखे तो वो आदमी भी जब क्यामत वाले दिन अल्लाह के सामने आ पहुंचेगा तो अपने उन आमाल को हकीर और कम ख्याल करेगा यानी कोई शख्स जब से होश संभाली सत्तर अस्सी साल की जिंदगी और उसने अपना सर फेंक के अल्लाह की इबादत में लगा रहा कोई अल्लाह की नाफरमानी वाली चीज नहीं की अल्लाह को राजी करने में लगा रहा और इतने अमाल अगर सोचे कोई लेके जाए तो कुछ छोटे अमाल है लेकिन इतने आमाल भी जो लेके जाएगा उसके बारे में भी अल्लाह के रसूल वसल्लम क्या फरमा रहे हैं कि वो भी अपने उन आमाल को बहुत थोड़ा जानेगा कि भाई मैं अपने साथ कुछ भी लेके नहीं आया मेरा आपका क्या हाल है कितने आमाल हमने इकट्ठे किए आखरत के लिए जिंदगी में ही गुनाह है चंद नेकियां होती हैं और गुनाहों का एक अंबार होता है अल्लाह सुन सबकी हिफाजत फरमाए हमें बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है बहुत ज्यादा अपने आप को आखिरत के लिए प्रिपेयर करने की जरूरत है तो आखिरी चीज जो है जिसके बारे में बात करें वो क्या है कि जिससे हम अक्सर गाफिल होते हैं ये तो वो सब चीज़ें जो कि तैयारी के अतबार से लेकिन एक वो अमल है जिससे हम अक्सर गाफिल होते हैं वो क्या है इखलास से गफलत यह वो चीज़ है जो जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात भी करनी चाहिए अपने आप को रिमाइंड भी कराना चाहिए क्योंकि देखिए शैतान जो हमारा दुश्मन है ना जो अल्लाह ताला ने उसको हमें हमारा दुश्मन कहा इन्ना शैतान के बारे में अल्लाह ताला तो ने क्या फरमाया कि वो तुम्हारा खुला दुश्मन है वो ऐसा दुश्मन है कि वो बड़ी स्ट्रेटजी के साथ हमारे साथ खेलता है पहली उसकी कोशिश होती है कि हम अल्लाह की ताल के अमल ही ना कर सके पहली कोशिश अगर हम उसमें उसको पछाड़ देते हैं शैतान को गिरा देते हैं और अमल करना शुरू कर देते हैं अगली आ उसकी, उसकी कोशिश होती है कि कम दर्जे का अमल करें अच्छा अच्छे दर्जे का अमल कर दिया अगली स्ट्रैटेजी। उसकी कोशिश होती है कि अमल तो कर ले, लेकिन इसके अंदर से अखलास निकाल दू मैं ये नमाजें पढ़ता रहे सजदे करता रहे और अपने दिल में मुतमिन हो कि मैं पांच दफा दिल में दिन में नमाज पढ़ता हूँ तहजद भी पढ़ता हूँ सदका भी करता हूँ लेकिन उसके अंदर से अखलास निकाल दिया यानी मकसद अमल करने का वो अल्लाह को राजी करने के लिए नहीं बल्कि लोगों को दिखाने के लिए कर दे तो वो शैतान फिर कामयाब हो जाता है बहुत से ऐसे लोग हैं जो नमाजें तो पढ़ते हैं लेकिन उनको ये नहीं पता होता उन्हें नमाजें क्यों पढ़ी है दिल और दिमाग में ये एहसास होता है कि जब मैं घर से चल के जाऊंगा तो दस दुकानों के सामने से गुजरूंगा वो सारे दस दुकानों वाले देख के मजे कहेंगे माशाल्लाह बड़ा नमाजी हम इसको हर वक्त आते जाते देखते हैं मेरी तरह तारीफ हो जाएगी लोग ये ख्याल करेंगे जी मैं बड़ा नेक इंसान हूं दोस्तों के अंदर बैठूंगा तो लोग कहेंगे भाई ये जब भी नमाज का वक्त होता था हमें से कुछ भी कोई भी नहीं उठता था ये नमाज के लिए उठता था ना ये वो चीज़ है जो आपके और अल्लाह के दरमियान है मेरे अल्लाह के दरमियान है क्योंकि ये जो नीयत का मामला है ना सबसे बड़ा मसला नीयत के साथ ये है कि कोई किसी की नीयत को जज नहीं कर सकता सिवाय इसके कि वो इंसान खुद अपनी नीयत के बारे में जानता हूं तो हमें अपनी नीयत को ठीक करने की जरूरत है क्योंकि अगर सही नीयत के बगैर अमल किया तो बड़े से बड़ा अमल भी अगर अल्लाह की रजा के लिए नहीं किया तो अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं और एक हदीस बड़ी इस एतबार से बड़ी खतरनाक है एक दफा एक शख्स रसूल वसल्लम के पास आया और आके अर्ज की और पूछा कि अल्लाह के रसूल आपके उस शख्स के बारे में क्या ख्याल है आपका कि जो की राह में जहाद करता है इस नीयत से कि उसको अजर भी मिले और शोहरत भी मिले इस नीयत से जिहाद नहीं कर रहा कि सिर्फ शोहरत मिले बल्कि अजर भी मिले और शोहरत भी मिले और जहाद जैसा अमल है जिसमें इंसान अपनी जान माल सब हथेली में लेके निकला होता है इससे बड़ी कुर्बानी एक इंसान क्या दे सकता है? तो आप सल्म ने क्या फरमाया उसके लिए कुछ भी नहीं है उसके लिए कुछ भी नहीं है उस शख्स ने फिर पूछा अल्लाह के रसूल क्या ख्याल आपको आपने फिर फरमाया उसके लिए कुछ नहीं है तीन दफा उस शख्स ने सवाल किया तीनों दफा अल्लाह के रसूल वसल्लम ने क्या फरमाया उसके लिए कुछ भी नहीं है और फिर आपने फरमाया कि अल्लाह सुफान तला सिर्फ और सिर्फ वही अमल कबूल करता है जो खाल अल्लाह की रजा और खुशनुदी के लिए किया जाए तो आज हमें अपने आमाल तो करने हैं आमने लेकिन अपने अमाल के अंदर अखलास के बारे में सोचना है कि क्या अखलास है हमारे पास जो अमल किया वाकई अल्लाह की रजा के लिए किया है कि नहीं किया बीस साल से हर साल रमजान के अंदर उमरा हो रहा है लेकिन मकसद क्या है मकसद यह है कि वापस आऊंगा तो सारे खानदान में लेकिन माशाला जी हर साल रमजान उम्र करना चाहता है दोस्तों में चंद तारीफ हो जाएगी मैं एक ऐसे शख्स के तौर पर पे पहचाना जाऊँगा कि वो कहेंगे जी माशाल्लाह बड़ा नेक इंसान है ये तो हर साल रमजान में उमरा करने जाता है बीस साल से सदकत चल रहे हैं किसी मदरसे को डोनेशन दी जा रही है लेकिन इसलिए कि मदरसे वाले कहेंगे जी माशा जी बड़ा ये नेक इंसान है ये तो बड़े लोगों का ख्याल करते हैं नीयत अपनी नीयत को ठीक करना और अपनी नीयत के ऊपर काम करना यह भी बहुत अहम चीज है अक्सर लोग आमाल तो कर लेते हैं लेकिन नीयत से गाफिल होते हैं इखलास से गाफिल होते हैं तो ये गफलत भी क्या है कि इतनी मेहनत इतनी कोशिश इतनी थकन अपनी ज़िंदगी में हम करें इतनी मुशक्क़्क़्कत करें और उसके बाद जब अल्लाह के सामने जाएं और बिल्कुल खाली हाथ और ना सिर्फ खाली हाथ बल्कि रयाकारी और दिखावा अल्लाह को सख्त नापसंद है बल्कि उल्टा उसका इंसान के लिए बवाल बन जाएंगे तो क्या है कि इस चीज़ के बारे में फोकस करना के इखलास के ऊपर मेहनत करना ताकि अल्लाह स्मां तला आमाल करने की जब तोफीक दे तो उसके अंदर नीयत ही होनी चाहिए कि मेरा अल्लाह मुझसे राजी हो जाए और मुझे दुनिया में किसी इंसान से इसका कोई बदला नहीं चाहिए किसी फॉर्म में भी कोई बदला नहीं चाहिए अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह सुभान तला हम सबको अमल करने की तोफ़ी तब फरमाए आखिर रब्बिल आलमीन अच्छा जी आई थिंक आज टाइम चूंकि काफ़ी ज़्यादा हो गया था आज क्वेश्चन आंसर वाला सेशन जब स्किप करते हैं तो इनशाला ये है कि नेक्स्ट सेशन जब भी होगा टीम इन श्या इंफॉर्म कर देगी फेसबुक के ऊपर उसका इन्वाट आ जाएगा और उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा अल्लाह ताली से दुआ है कि अल्लाह साली ने जो भी बात करने की तोफ़ी तब फ़रमाई अल्लाह तला मुझे भी अमल करने की तोहफ़ी केता फ़रमाए जहाँ जहाँ पर कमज़ोरियाँ हैं मुझे और आप सब अमल करने की तोफ़ी तब फ़रमाए जो गलतियाँ को हुई अल्लाह साल में माफ़ फरमाएल्ला सपम त अपनी कामिल अतात वाली ज़िंदगी तब फ़रमाए जो अमल करने की तोहफ़ीक ता फ़रमाए उसमें अखलास अता फरमाए और अल्लाह सुपान तला हम सबको इस दुनिया से जब उठाए तो हम सब की ज़ुबानों पर कलमा जारी हो और अल्लाह अपनी रजा के साथ हमें इस दुनिया से उठाए अलैकुम अलिकम व वर्क